कैसे हैं आप लोग? चौथा रमजान, ये रमजान इतनी स्पीड से कैसे गुजर रहे हैं कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। और हालांकि गर्मी तो है, लेकिन फिर भी यकीन माने इस दफा बड़ा मजा आ रहा है रोजे रखने में, क्योंकि मुझे सुबह सोने का मौका मिल जाता है। आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने गेस्ट को लेकर, और उम्मीद है कि आप भी एक्साइटेड होंगे जिस तरह आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस किए हैं कि सवालात की जो बुछार आपने की है। आज जो हमारे गेस्ट, जो पहले गेस्ट हैं जिनसे मैं आपका तारुफ अभी कराऊंगी, उनके बारे में मैं कहूँगी कि क्रिकेटर बनने का उन्हें जुनून था, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया अपने वक्त का सुपर डुपर हीरो। अरे भाई, फैशन जो स्टाइल्स हैं वो मशहूर होते थे हीरोइंस के, लेकिन इनके बाल भी इनकी वजह शोहरत बने और कितने ही लोगों ने कॉपी की, मतलब कि ये हेयर स्टाइल उस हीरो से कॉपी किया गया। और जी, और तो और, उनके हवाले से ये कहना चाहूँगी कि पहली फिल्म उन्होंने साइन की, उस फिल्म के साइन करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग कराना शुरू की, 114 फिल्में पीछे इनके आ गईं, क्योंकि इनकी एक्टिंग और इनकी मेहनत के जो चर्चे हुए, तो जी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही इन्होंने इतनी सारी फिल्में एक साथ साइन कर ली। इनका जो फिल्म का जो एरा था वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव होने वाला एरा था। और मेरा ख्याल से इस वक्त जो जनरेशन देख रही होगी, मेरी जनरेशन, मुझसे पहले की जनरेशन और हमारे बीच की जनरेशन जो है, वो सब इन्हें बाखूबी जानते हैं। इनके बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ जो मेरी टीम ने प्रॉपर रिसर्च की है। आई एक छोटा सा पैकेज हमारे आज के गेस्ट की नज़र। पाकिस्तान में बनने वाले मशहूर मारूफ ड्रामे लब्बैक में मोहम्मद बिन कासिम का यादगार किरदार अदा करने वाले आज के हमारे मेहमान यके बाद दीगरे कई मशहूर ड्रामों में देखे गए, जिनमें बाबर, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाजार और दीगर शामिल हैं। आपकी पहली फिल्म जीवा 1995 में बड़े पर्दे की जीनत बनी और देखते ही देखते आपकी कई फिल्म्स आने लगी, जिनमें आपने बेहतरीन अदाकारी करके अपने आप को फिल्म एक्टर की हैसियत से मनवा लिया। आपकी मशहूर जमाना फिल्मों में बाजीगर, कर्ज, खुदा जाने, जेवर, दीवारें, चोर मचाए शोर, मेहंदी वाले हाथ शामिल हैं। एक्साइटेड जो मेरे नाजरीन हैं, उनके लिए आज पेशी खिदमत हैं उनके फेवरेट हीरो। आइए वेलकम करते हैं, मैं जोरदार तालियां तो नहीं कह सकती क्योंकि ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो मेरे सारे कैमरामैन हैं मैं उनको कहूंगी, जोरदार तालियों में बुलाते हैं बाबर अली। तमाम देखने वालों को और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबको रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। और इतना खूबसूरत मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने बनाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने बड़े खूबसूरत अल्फाजों का इंतखाब किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। रही बात इत्तफाक कह लें, हमारी मुलाकात एक जगह तो हम एक्टिंग भी कर रहे थे और पता नहीं वो भी नहीं हो सकी, फिर हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे वो भी नहीं हो सका। ये क्या है? और देखिए अब आके मिले, मतलब मैं 12 साल से मॉर्निंग शो कर रही हूँ और आपने कितने साल? 8 साल तो मुझे भी हो गए। ओए होए होए, तो ये आज हमारी किस्मत थी कि हम एक दूसरे से गप लगा सकें। आपके जो फैंस हैं, आपकी बहुत सारी बातें, जो सवालात मैं पूछना चाहती हूँ, और बहुत सारे आपके फैंस ने मुझे सवालात भेजे हैं। अच्छा, ये आपसे पूछने के लिए। चलें, ये तो अच्छा। प्लीज आइए, तशरीफ। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए। थैंक यू। अच्छा, जब भी मैंने आपको देखा है ना, हमेशा मैंने आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा एक सोबर और बड़ा डिसेंट सा पाया है। हमेशा से आप ऐसे हैं जैसे आप आए भी थे तब से। मैं जरा बचपन ऑपोजिट था इसका। अच्छा। जब जूं बड़ा होता गया तो मेरी शख्सियत में चेंज आता गया, लेकिन शो बिजनेस में मैं जरा इसी तरह रहा हूँ। अच्छा। और अपने जितने मामलात थे मैं अपना संजीदा ही रहा। काम एक अलग चीज़ है, आप समझ सकती हैं, लेकिन जो हम स्क्रीन पर होते हैं वो तो फिर आपको वो रोल अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं संजीदा ही रहा हूँ, बहुत इतना ज़्यादा शोखियाँ और वो चीज़ें मेरी ज़ात में। अच्छा, लेकिन मैंने आपके कुछ ऐसी वीडियोज आपके बच्चों के साथ देखी है जो बड़ी मज़ेदार, लाइवली और शोखी और
मजा आता है देख के, बार बार रिपीट कर करके देखी, मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई। अच्छा नहीं, मैं बल्कि बलाज की देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। बच्चे तो देखे ना जी, आप आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा होते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, जिनके साथ आप बहुत ही नेचुरल होते हैं, जीते हैं जिनको देख के, इनको देख के बिल्कुल। तो मेरी जो बेटी है सबसे छोटी ज़ैनब, ज़ैनब नाम है उनका, हाँ ज़ैनब, पटाखो ज़ैनब, हाँ बस वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और बेटा है, एक बेटा है और उससे बड़ी एक बेटी है। अच्छा। वो जरा बिल्कुल ही अपने आप में रहने वाली है। उनका नाम क्या है जो बड़ी है? वो फिजा है। अच्छा। उसके बाद अब्दुल्ला आते हैं। अच्छा, फिर सबसे छोटी है ज़ैनब है। तो ज़ैनब पटाखो है, वो ज़ैनब है, वो ज़ैनब है जी। हाँ, ज़ैनब में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं, जो मैं समझता हूँ मेरे बचपन में जैसे मैं था और मुझे एक्टिंग का शौक, चीज़ें हैं उसमें। अच्छा। तो वो करती रहती हैं, वो खुद ही लाती हैं कैमरा वैमरा अपना, ले आती हैं टैब, बाबा ये बनाना है, और मुझे बल्कि कई दफ़ा डांट भी रही होती है, नहीं ये तो आपने एक्सप्रेशन ही बहुत बुरा दिया। जरा वो वाली वीडियो हम दिखाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जरा फिर वार्म अप राउंड जो है वो वीडियो मेरी टीम आप प्ले कर सकते हैं जरा, क्योंकि हम ज़ैनब की बात कर रहे हैं। मेरे आईबी में कोई आवाज़ नहीं आ रही है एक्चुअली। अच्छा, दो मिनट बात कर सकते हैं, ठीक है? आप रेडी हो तो मुझे बताएगा, क्योंकि मेरे आईबी में कोई आवाज़ नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है लाइव शो में, हाँ आपके आते ही आईबी बंद। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे कदम इत्तफाक, मेरे कदम भारी हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, अगर मैं ये पूछूं कि कितना अरसा आपने ड्रामा किया और ड्रामे के कितने अरसे बाद आपको फिल्म की ऑफर? हाँ, मेरा जो स्टार्ट था, मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ, मेरे अल्लाह का बड़ा करम रहा मेरे सफ़र में। स्टार्ट के फ़ौरन बाद ही मुझे साल सवा साल के अंदर ही। अच्छा। मैंने बहुत कम ड्रामास किए। अच्छा। जिनमें आपने अभी जिक्र भी किया है, मोहम्मद बिन कासिम यानी लबैक से स्टार्ट किया, आपके मुझे शर्फ हासिल है कि उस दौर में कासिम जलाली साहब से, कासिम पाशा आपके वाले साहब से, मेरी मैं इन लोगों से दाद ली हुई है। हाँ। जितने भी हमारे एम ज़हीर खान साहब हैं, सायरा काज़मी साहब, सोर्स कैसे बनी? मतलब जाना होता है ना कि किसी का कोई जानने वाला होता है, मैंने पता नहीं उड़ते उड़ते सुनी थी कि आप किसी को छोड़ने लेने आते थे। नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं, वो तो खैर रूमर्स हैं। मैं अक्सर मेरा जब दिल करता था तो मैं, चूँकि कराची में मेरा सारा मेरी जवानी गुजरी, बचपन गुजरा जी, तो मैं अक्सर पीटीवी के बाहर आके खड़ा होकर देखता था काजी वाजिद साहब, शकील साहब, शफी मोहम्मद साहब मरहूम, इन सब लोगों को देखता था, जावेद शेख साहब। अच्छा। ये अपनी गाड़ियों में आते चले जाते अंदर, तो अब्बा बड़े सख्त होते थे मेरे, उनको तो पता नहीं होता था, अपने कज़न के साथ आया, लिफ्ट यार प्लीज़। हाँ। एक बार देखना है। हाँ। ये टाइमिंग तक पता होती थी इन लोगों की, लेकिन अंदर बहुत सख्ती होती थी, अंदर हम जा ही नहीं सकते थे, गार्ड्स खड़े होते थे। जी जी जी, तो बस इनको देखना और दिल में एक ख्वाहिश, चलो एक पिक्चर ही बना रहेंगे, फिर क्या पता था एक्टिंग का। मैंने सुना आपको तो जुनून क्रिकेट का था। जी जी बिल्कुल, क्रिकेट का आज भी है। हाँ। लेकिन अब जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होता है फिर वो आपको वही मिलता है। कैसे शौक पैदा हो, जो दोस्त यार होते हैं वो कहते होंगे यार तुम जाओ टीवी पे जाओ। एक्चुअली मेरा जो हुलिया था, जो मेरे लंबे लंबे बालों का, आपने अभी सुना भी देखा भी, तो वो मोस्टली लोग कहते थे यार ये तो हीरो लुक है और इसको तो इसको जाना चाहिए। और आपने रखे कैसे थे लंबे बाल, किसी मतलब ऐसे ही शौक में रखे क्या, बढ़ते चले गए, कटवाए नहीं? क्योंकि उस वक्त लड़कों के लंबे बाल नहीं होते, नहीं थे, इतना ट्रेंड नहीं था। बस वो मैंने रखे क्या, एक वक्त तो निदा ऐसा आया कि पूरा पाकिस्तान रखने पर मजबूर हुआ, और फिर जो माएँ थी जहाँ मुझे देखती थी, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे, हाँ, के लंबे बाल खराब हो गए मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से। आप यकीन कीजिए, जिन दिनों मेरी ये फिल्म चल रही थी, मैं मेरी जीवा रिलीज़ हो चुकी थी, पै दर पै ऊपर की 9 फिल्में हिट थी, तो मुझे, मैं ना कटिंग के लिए जाता था, एक जगह थी गुलबर्ग में, तो मैंने एक गौर से देखा तो वो आज जगह ही चेंज थी और वहाँ तस्वीरें 3-4 मेरी और लग गई थी। मैंने कहा इसकी लगाने की वजह शायद मैं यहाँ आता हूँ। कहते हैं नहीं सर, हमारी दूसरी ब्रांच में भी है और इस इर्द गिर्द जो ब्रांचें उनमें भी आपकी तस्वीरें, लोग आके कहते हैं ये वाली कटिंग करनी है, बाबर वाली कटिंग। तो ये वक्त भी आ गया, तो वो उस वक्त इतने ज़्यादा थे, ओह माय गॉड, वो लोगों ने फिर पसंद किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बालों की वजह से मुझे, मेरी एक्टिंग की वजह से नहीं पहचाना जा रहा, तो बाल फिर कटवाए। फिर आगे की कहानी क्या हुई, कैसे ये इतनी सारी फिल्म में साइन करने का मौका मिला, किस किस हीरोइन के साथ इन्होंने काम किया, किस किस के साथ स्कैंडल बने, ये सब जानने के लिए देखते रहिए GMP शान-ए-सहूर एक छोटे से वक्फे के बाद। हाँ
हाँ जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शाने सहूर। और जब आप पहली दफा किसी गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे होते तो इतना मार्जिन दे, मैं भूल गई, आपको फूल देना, आप पहली दफा मेरे शो पे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अपने बराबर में रख लें। थैंक यू। हाँ, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आपकी पटाखू बेटी जो छोटी, जिसको मैंने जब देखा, ज़ैनब, माशाल्लाह, मैंने उसको बार बार उसकी वीडियो को चला के देखा और आपकी और उसकी जो टाइमिंग थी ना, वाओ। हमारे घर में भी कुछ इसी तरह का सीन है। अच्छा, वो कोई मैं देखता था बलाज का, मैंने बोला मैं देखता था, तो ये कोई खुद ही फ्रेम बनाती है ज़ैनब और खुद ही, हाँ ये बाबा यूं कर लें, और फिर मेरी मिस्टेक्स भी निकालती है ना। ओहो। और मुझे ये एक्सप्रेशन नहीं, और 5-7 वीडियो बनाती है, उनमें से खुद ही सिलेक्ट करती है। दिखाएं ना जरा ज़ैनब की वीडियो, ऑडियंस को भी दिखाएं। जिंदगी तुझे क्या कहूं, वीडियो ज़ैनब शीशा नहीं है जवर। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। कम ऑन अब्दुल्ला यार, अच्छा नहीं, प्लीज अपना। ओके। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया, ना मैं रुक सकूं। सॉरी बाबा। यार हद होती है। इसके बाद ये भी हुआ था कि नीचे छुप गए थे। अच्छा, ये मैं बताऊं। हाँ। वो मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। ये तो फिर मैंने वीडियो लगानी नहीं थी। हाँ। ऑफ कोर्स इसमें मुझे तो कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि लगानी चाहिए। और ज़ैनब के पास ये अप्रोच है, वो मतलब इसकी मेरे सारे लॉक्स जानती है। उसने ऑन किया खुद ही और इंस्टा पे क्या भाई, वो पोस्ट भी कर दिया। ओह माय गॉड, मतलब ज़ैनब इतनी आपकी लाडो है। हाँ। कि आपके कोड्स वोड ज़ैनब को पता है सारे। वो एक्चुअली सिंपल सादा सी जिंदगी है, तो हाँ। मुझे नहीं इसकी ज्यादा कोड वोड में पढ़ना ही नहीं है। तो आपकी बेगम को भी पता है कोड? जब बेटी को पता है तो वो तो चाबी है ना, वो तो उनके थ्रू ही आता है। मैं तो पूछ के थक गई अपने बच्चों से, अपने अब्बू का कोड बता दो। अच्छा। कहते हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो सही वाली। क्या नाम है आपकी वाइफ का? सदफ। सदफ। हाँ जी। तो सदफ से कितने अरसे पहले मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई आपकी? सदफ से जाहिर है मुलाकात को तो तकरीबन 19 साल हो गए। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज, ऑफ कोर्स। मैं वो ठुकराया हुआ दूल्हा हूँ जिसे 3 साल चक्कर लगाने पड़े। नहीं, 3.5 साल। हाँ। तो मेरे वाले साहब मेरी बहन जाते रहे। कुवैत में होती थी वो पहले? हाँ जी, कुवैत से वो। अच्छा। यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन मेरे ससुर और मेरी बेगम को कुछ मैं समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आपने उनको कैसे शादीवादी में देखा था? नहीं, मैंने एक क्लिनिक के बाहर देखा। अच्छा। तो अजीब सा लगेगा, मैं आप कहूँगा कि देखता ही रह गया। हाँ। हवाएं चली और दिल में घंटी बजी, पता नहीं क्या क्या हुआ, बस ऐसे ही कुछ था बहरहाल। हाँ। तो मैंने एक दिल में एक हसरत की, एक दुआ मांगी कि क्या ही अच्छा हो कि मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। तो उसके बाद फिर वही हुआ। पता कैसे लगाया कि कहाँ, मतलब मैंने जी बाकायदा जो हरकत मैंने कभी की नहीं वो फिर मैंने की उस दिन। हाँ। मैंने वाकई ये हरकत नहीं, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। तो अच्छा। मैं हाँ फॉलो भी इसलिए किया, मेरी क्लिनिक में मेरी जो बड़ी बहन है वो गई हुई थी, वो आई तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ निकल दो। हाँ। क्या हुआ क्या? हाँ। मैं ये सामने वाली गाड़ी में इसको फॉलो करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि ये हुआ। अच्छा, उनको यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा कर लो यकीन। हाँ। तो ये वो जगह है जहाँ मैं अब ठहरना चाह रहा हूँ अब, और मैं बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। कितने साल हो गए थे आपको फिल्मों में काम करते हुए उस वक्त? उस वक्त मतलब बाबर अली बन गए थे? बाबर अली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स। हाँ। 8-9 साल। तो उन्होंने लाइक कोई एक स्माइल पास भी नहीं की? नहीं नहीं, परवाह ही नहीं, कौन बाबर अली क्या। हाँ। हाँ, नहीं मैं ठीक है, एक नॉर्मल आप एक स्टार को देखते हैं बस, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, बस उसके बाद उनका ये था कि क्यों, वाई। हाँ। तो फिर उस वाई को ABC से शुरू हुए, वाई तक आए, फिर जी तक गए। तो क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी कि फिल्म इंडस्ट्री में है, हीरोइन आसपास? निदा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम आप शो बिजनेस से हमारा ताल्लुक जी, है जी। आम लोग इस चीज़ को अब आके तो बहुत समझने लग पड़े हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं जी, जहाँ आपके हस्बैंड यासिर और हमने तकरीबन कोई रिश्ता नहीं दे रहा था। बड़े खुश नसीब है माशाल्लाह। नहीं, लेकिन यासिर बड़ा कमाल आदमी है, मैं कहता हूँ तो। माशाल्लाह, उनकी जो आदत है, जो टाइमिंग है, बड़ा कमाल। डायरेक्टर बहुत अच्छा है। हाँ। इंसान बहुत अच्छा है। मेरी बहुत कम मुलाकात है। तो हम लोगों ने एक टाइम पर हमने जब शुरू किया तो वो दौर में थोड़ी सख्ती थी, लोगों की तंग नज़री थी। आहिस्ता आहिस्ता अब जब बहुत से लोग आने लग पड़े,
और बहुत सी फैमिलीज की बच्चियां भी काम कर रही हैं, तो अब लोगों को पता चला ये काम क्या है और इस कितनी इस काम की रिस्पेक्ट है। लेकिन खाली खवातीन लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती थी शादी की, लड़कों को भी रिश्ते देने में कतराते थे थोड़े लोग के शो बिजनेस में है। यही तो मेरे केस में भी हुआ ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, यही उनको प्रॉब्लम थी। तो वो मुंडा फिल्मा च आंदा है तो ये माहौल था थोड़ा सा। हाँ जी, तो उसमें क्या करें, शादी तो एक अलग चीज है। बहरहाल वो फिर मानना ही था उनको। मैंने फिर उनसे कहा जी मुझे कोई 10 मिनट दें आप बेगम साहबों का, 10 मिनट बैठे समझाया कि ट्रस्ट करो। तो अब ट्रस्ट ये माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और आज भी उन्हीं का। कितने पापड़ बेलने पड़े उन्हें मनाने के लिए उनके घर वालों को। 10 मिनट लगे, वो 10 मिनट मैंने कहा 3 साल पहले बता देती मेरी, यकीन तो करती मेरा। ओहो, तो अभी तक माशाल्लाह यकीन ही है। तो आप 3 साल तक जो है वो इसी तरह हल्के हल्के मनाते रहे, फिर आपने मेरी शूटिंग बहुत आती थी और इसलिए 3 साल हो गए। बीच में स्पेल आ गया, चला गया टर्की, चला गया ये तो अब जा रहे हैं। मैं तो तब जा रहा था, टर्की फिल्में बनती थी, कभी इंग्लैंड चले गए, कभी सिंगापुर, कभी मनीला। तो मैं 4-4, 3-3 महीने फिर कहाँ से रिश्ता आ गया। वही लड़का दोबारा ही जा रहा है मेरे बीच में। लकी माशाल्लाह कि उनका भी कहीं रिश्ता नहीं हुआ ना। और नहीं, रिश्ते तो आ रहे थे, उनके भी आ रहे थे, लेकिन वो अभी फोकस नहीं थे मेरे ससुर अभी कहीं शादी करने के लिए। अच्छा, तो हमने भी वो मना के छोड़ा फिर। फिर हमने कहा फिर करना ही है, फिर अल्लाह ने नसीब में जो लिखा होता है मिलता है। अच्छा, वैसे मैंने देखा उस जमाने में भी फिल्म स्टार्स की जो शादियाँ होती थी इतनी वायरल तस्वीरें टीवी पे आ रहे, बकायदा न्यूज में दिखाई जा रही, आपने ऐसे छुपा के क्यों की? ना अच्छा, इतनी वायरल नहीं है। नहीं नहीं ना, मेरी मेरी कह लो कि तबीयत में ऐसा नहीं है। आप यूँ कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाता, मैं बहुत ज़्यादा आप जैसे अच्छे लोगों के साथ आके मैं आप लोगों को गिला ही रहता है, मैं आके इंटरव्यूज़ नहीं करवाता जो इतना अच्छा आप बोलती हो, और भी बहुत से अच्छे होस्ट हैं, तो मैं बहुत कम जाता हूँ। महफलों में नहीं जाता, मैं अवार्ड्स में नहीं जाता। मतलब आप खुद ही नहीं जाते या कोई अब्बा को? एक होता है ना अब्बा को सेटिस्फाई करना कि मैं काम करूंगा शोबिज में और बाकी जो झमेले होते हैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा ने ये कहा था देख लो तुम्हारी लाइफ है, लेकिन ये जो मनमाया भी तो मोहम्मद बिन कासिम पे ना, जब मोहम्मद बिन कासिम बन गया तो फिर उसके बाद तो उनका जवाज ही नहीं था, वो तो फिर दुआएं थी उनकी, वो आज तक मेरे साथ हैं। लेकिन ये महफिलों में जाना निदा मेरा शुरू से ना बड़ा मैं महदूद रह, मुझे पसंद ही नहीं, आज तक नहीं है। किसी अवार्ड में मुझे आप देखेंगे नहीं, मैं किसी अवार्ड में किसी भी अवार्ड का हिस्सा नहीं हूँ मैं। तो आपकी नेचर बचपन से ऐसी थी कि ज़्यादा सोशल नहीं, ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं, या एकदम आप ये प्रोफेशनल लाइफ में आके चेंज आया? नहीं, बचपन से ही था। बचपन से ही था। मैं शादियों की महफिल में बहुत कम, अभी भी शादियां फैमिलीज में होती हैं, मेरी कोशिश होती है तुम चली जाओ बेगम को। हाँ। नहीं नहीं, फिर जाना पड़ता है रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो और सबसे खतरनाक काम शादियों में क्या होता है निदा? हाँ। कि जब खाना खुलता है ना उस वक्त कैमरा मैन आपको फोकस करके आपके ऊपर आ जाता है। मैं मोस्टली भूखा ही रहा हूँ फिर। ओए ओए। क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं बाप देखिए बाबर अली की खाते हुए। हाँ, बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पे बोटी है और तो बस ये जिंदगी के साथ ही सारी चीजें रही हैं। अच्छा, पेरेंट टीचर मीटिंग में जब जाना होता है बच्चों की तो क्या होता है फिर? लाइक कुछ नहीं होता, लेवरेज मिलता है बच्चों को बाबर अली के बच्चे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अल्लाह ने एक इज्जत दी है ना, मैंने कभी उसका फायदा उठाना चाहा, बल्कि ये कोविड में तो ज्यादा, बल्कि उन्होंने फीसें ली, ऑनलाइन पढ़ाया कम है, इंतहा कर दी इन्होंने, मैं क्या बताऊं। कितने सख्त बाप हैं आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, बल्कि इसमें तो मेरी बीवी बहुत ही नाराज है। अच्छा। हाँ, मैं तो बात इतना 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 नरम बाप हूं कि सर्दियों में मुझसे माशाल्लाह मैं देखता हूं ना बच्चे सर्दियों में अपना ब्लैंकेट के अंदर है तो मेरा दिल नहीं करता उठाऊं मैं इतना छुट्टियाँ कराते हैं बच्चों। हाँ, हुई है मुझसे ये नादानियाँ। फिर वो जो बेगम साहब हैं फिर बहुत सख्त हैं इस मामले, कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। बस फिर ना फिर दौड़े लग रही होती है, हम ऐन वक्त पर, हम हमेशा ऐन वक्त पर हम पहुंचते हैं, मतलब कुछ मिनट रह गए होते हैं, आपको पता है स्कूल की एक टाइमिंग होती है, तो मुझे 2-3 बार प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस मिले हैं, प्लीज़ आप तो कुछ ख्याल करें। हाँ कैसे आप लोगों के घर का माहौल रमज़ान शरीफ में क्या होता है, किस तरह? आम घर की तरह निदा, जैसे सहरी? बिल्कुल आम घर की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब, मैं उनके साथ रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे आज जो भी अता किया है मेरे वालदैन की दुआओं की वजह से, तो उनकी जो दुआएं हैं, जो उनकी बरकत है वो दस्तरखान पे होती है। ज़ाहिर है अब्बू काफ़ी एजड हैं तो मैं उनको सोफ़े पे, और हम सब ज़मीन पे होता है दस्तरखान। मैं दिखाऊं लोगों को आपके अब्बू से मिलवाऊं? हाँ, मेरे वालिद साहब के है ना जी, तो दिखाए ना बाबर अली साहब के। हाँ। वालिद साहब की वीडियो हमारे पास है, आइए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए,
सजना भी मर जाना डीगर ते दिन आया मुहम्मद ओडकनो डुब जाना। अबू जी दास नहीं होना, दास नहीं होना। लो जी ते है अम्मा जी, वालदा मेरी इत्थे कराची लॉकडाउन ने और अब्बा जी इत्थे ने, जाहिर उदासी हो जाती। दुआ कर सकते हैं जी इस मौके ते अल्लाह ताला सब नू अपने ज़ुमान च रखे और इस जड़ी आजमाइश से सानू सुरखरू करे और जल्दी अल्लाह ताला साडे गुनाहों नू माफ़ करे। अल्लाह सब नू अपनी ज़ुमान च रखे। जिन्ना घर रहोगे, जिन्नी देर अपने घर के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे और कोशिश करो अपने प्यारे लिए, उन्हां लिए, अपने मुल्क लिए, अपने गौरमेंट लिए जिन्ना तावन कर सकते करो। अल्लाह सब नू अपने ज़ुमान च रखे। रब राखा। अच्छा, आपने जो है वो दाढ़ी क्यों रंगना छोड़ दी? सॉल्ट एंड पेपर वाला वो क्यों? क्या वजह? बेगम ने कहा था कि किसी लड़की किसी हीरोइन की नजर ना पड़े। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको भी अच्छा लगा ये। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा ना, मैंने अपनी जात में निदा हमेशा चेंज देखा है। हाँ। जब मैं वो कह लेना कि सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की होती है, तो वक्त के साथ साथ आप जितना जल्दी अपने आप को ढाल लें। हाँ। और अपने 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 आप को चेंज करें तो वही लोग दुनिया में तरक्की कर पाते हैं, वही लोग अपने आप को अपने साथ इंसाफ कर पाते हैं। मुझे मसनूईपन लगता है, मैं पता नहीं, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं। हाँ। मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं जबरदस्ती का जवान बन रहा हूँ। लेकिन अच्छी आप तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, आप तो ग्रेसफुल लगते हैं। तो वो जो हैं आप वो नजर आना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो मैं रोल्स कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन जितना कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मैं इसी गेटअप से कर रहा हूँ अपने एज के। अच्छा, मैंने आपके किसी इंटरव्यू में सुना था, आपने कहा जब मैं सिंगल था तब इतनी लड़कियाँ मेरे पीछे नहीं पड़ती थी जितनी आप पड़ती हैं। हाँ, ये क्या चक्कर है? पड़ती तो मुराद क्या है, अल्लाह हिदायत दे, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब कि इंटरनेट वगैरह की वजह से ना, मतलब वो बच्चे हैं और बहुत से लोग देखें। मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोगों के अपने अंदाज हैं प्यार करने के, अपने 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 तरीके हैं। और वो एक स्टार का सब पे वो कह लेना हक होता है कि स्टार को जिस तरह मर्जी ले। तो कुछ चीज़ें ठीक है, किसी हद तक तो अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बाउंड्री क्रॉस करती हैं ना, तो वहाँ आके थोड़ा मोहतात होना पड़ता है। हाँ। तो ऐसे कई बार हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है मोहतात रहे। हाँ। और ये सफ़र गुजरता रहा बस। सच्ची बताएं, जब लाइक आपकी शादी नहीं हुई थी, बेगम को तो सब बता दिया होगा ना, अब ये अच्छे बुरे दिन मुझे मैं आपकी कथा कलामी हो रही है, सॉरी। एक तो आप इतना अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह। मैं क्या बोलती हूं? ज्यादा बोलती हूं? नहीं नहीं, आप अच्छा बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं कहीं भी काम करने जाता हूँ या कहीं भी बाहर निकलूँ, जिस दिन कोई भी ऐसी कोई बात होती है, तो मैं पहली जो सबसे पहली बात होती है तो मैं अपनी बेगम से ही शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे छुपा लेता हूँ। तो ये एक ट्रस्ट है, मियाँ बीवी का एक रिलेशन ऐसा है कि आपके ट्रस्ट है तो सब कुछ है। वो ट्रस्ट खत्म हो गया तो आप तो है नहीं, लेकिन जब आप उनको मना रहे थे, मैं तो तब की बात करूँ जब आप फिल्मों में काम कर रहे थे। कभी कभार ये स्ट्रेटजी भी होती है कि फिल्म आने वाली है और जो हीरोइन है फिल्म की और हीरो है उनका स्कैंडल मशहूर कर देते थे, एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती थी। तब भी थी है ना, तब भी ऐसे ही होता था। तो ये शुरू से रही है, चाहे वो शुरू से रही हमारे यहाँ बॉर्डर पार हो, हर जगह ऐसे ही हुआ है। और ये हमेशा ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स उस वक्त के लोग जो थे मुंसलिक होते थे टीम के साथ, वो ऐसा करते थे। लेकिन आपने कभी डिनाई भी नहीं किया? मैंने कभी हाँ भी नहीं किया, मैंने कभी ना भी नहीं किया। मैं खामोश, मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी दुनिया में मगन रहा। अगर किसी का कुछ दिल खुश हो रहा है या किसी का दिन, मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ, आप कहीं और ना ले जाएं, तो अगर कोई खुश हो रहा है तो होने दें, मेरा क्या जाता है। हाँ। तो होने दें। घर में क्या होता था जब मैगजीन्स और बाकी लोगों के लबों पे ये होता था, तो अब्बा की बहनों की कभी कुछ नहीं आया? कुछ नहीं, उन्होंने कभी सवाल किया कि ओह कभी जरूरत दे, मुझे जानते हैं वो। जो आपको जानते हैं वो आपसे कभी सवाल नहीं करेंगे। हाँ। तो दुनिया जो मर्जी, जब आपके घर वाले आपसे सवाल करें ना, उस वक्त से डरना चाहिए। जब आप घर से कहते हैं ना आप मुतमईन हैं, तो आप बाहर जाकर भी मुतमईन हैं। जब आप घर से मुतमईन नहीं, तो फिर बाहर की दुनिया आपके लिए मुश्किल है। जिन जिन से आपके स्कैंडल्स बने, अभी आप उनसे मिलते जुलते हैं? मतलब लाइक कितने स्कैंडल्स निदा, मेरे बल के क्या हो गया? मैं तो भाई, मैं खवातीन की शादी हो गई इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रही। तो ना करे ना अल्लाह, ये पूछ रही हूं कि बाद में मिलते लोगों ने बनाए ना, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था। हां, लोगों ने बनाए, मतलब लाइक वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उन्होंने बनाए या लोगों ने, मेरा क्या लेना देना। मैं तो माशाल्लाह तीन बच्चे, मेरी बेगम माशाल्लाह। आपकी बेटी शरारती है ना जैसे? हाँ। जैसे मेरे अंदर भी एक छोटी बच्ची है जी, वो एक नहीं काफी सारी बच्चियां। एक एक वीडियो जो मैंने पहली दफा देखा था ज़ैनब को, तो मैं बड़ी उससे, ये इससे भी पहले एक वीडियो, सारी ज़ैनब की वीडियोस निकाली है ना, को हिचकियां आ रही है ज़ैनब। मुझे अच्छी बच्ची लगी वो, और बड़ी उसमें उसकी आंखों में स्पार्क है।
फिर अब्दुल्ला है, फिर अब्दुल्ला है, फिर ज़ैनब है। ओके, आपको याद है, अब मैं छोड़े वो वाली बातें नहीं करती है ना, अच्छी अच्छी बातें करती। अच्छी बातें ये हैं कि जिसने माँ की दुआ नहीं ली, हाँ, उसने कुछ नहीं लिया। हाँ। अभी तक अबू और बीवी और बच्चों की बात हुई है, तो एक जिक्र जो मेरे पे वाजिब है, फर्ज है, वो मेरी माँ है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो आज मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ और जहाँ भी मुझे इज्जत मिल रही है, आप जैसे इतने प्यार करने वाले बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, इसके पीछे वो जो दुआएं हैं वो मेरी माँ की हैं। अगर आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी से मेरी माँ निकाल दें, मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आपकी अम्मी कहाँ होती है? मेरे दिल में। अम्मी दिल में? अम्मी मेरे दिल में ही होती है। अच्छा, आपने किसी और तरफ नहीं जाना? हाँ। प्लीज़, वो फिर भी और वो इधर कराची, वो कराची कराची अच्छा। होती हैं और अच्छा वो कराची जी कराची होती हैं, लेकिन वो घूमती फिरती है ना, तो हमने को पाबंदी कोविड की वजह से। जी जी, भाई है मेरे, मेरी अच्छा, बहनें इधर हैं। कोविड की वजह से ना दुनिया निदा थोड़ी सी चेंज हो गई। मैं जिक्र नहीं करूँगा ज़्यादा उसका, कि हम अच्छा अच्छा शो करें और ये बरकतों और रहमतों की साए। कितने बहन भाई हैं टोटल? हम जी पाँच। पाँच? तीन बहनें दो भाई। अच्छा, हम में सबसे लास्ट, सबसे छोटे। जी, सबसे छोटा। तो बहनें भाई सब किधर रहते हैं? आप लाहौर में हैं? जी, मैं वाहिद हूँ जो लाहौर में हूँ। बाकी एक मेरी बहन यूएस थी, वो वापस आ गई। अच्छा। और बाकी दो भी इधर हैं, भाई भी कराची होते हैं। हाँ। तो मेरा आना जाना, अब जैसे आता हूँ कोई भी शूट पे आता हूँ, तो हाँ, जाहिर है सबके घर में सब इंतजार कर रहे थे, इधर कब आना है, उधर कब आना है। तो मिलना जुलना तो सबसे रहता है। अच्छा भाई, भाई मुझे एक और गुलदस्ता चाहिए, क्योंकि मेरी जो अगली मेहमान है और उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो इस वक्त मेरे शो पर आई, और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इनके जब इनको जब मैंने पहली दफ़ा ड्रामे में देखा ना, तो मुझे इनकी पहले मैं फर्स्ट जो अट्रैक्शन थी वो मैं इनके चेहरे से देखकर अट्रैक्ट हुई। इनकी शक्ल जो है वो मिलती थी जिया प्रादा से ना, पुरानी सुपरस्टार इंडियन मूवीज़ की थी। उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग देखी तो मैंने कहा यार ये तो पहला इनका ड्रामा है, लेकिन इस पहले ड्रामे में ही इतनी पावरफुल, इतनी मच्योर एक्टिंग ये कैसे कर रही हैं। फिर मैंने मेरा इनसे मिलना हुआ एक इंटरव्यू के दौरान, और वहाँ जब मैंने इनसे बात की तो मुझे वैसे भी ये बहुत मच्योर लगी बात करने से। वो जो होता है ना कि नया नया आता है बंदा शोबिज में, तो वो वाली चीज़ इनमें नहीं थी। बड़ी अच्छी ख़ानदानी मुझे लड़की ये लगी। और फिर मैंने देखा कि आपके साथ भी इन्होंने काम। जी जी, बिल्कुल ना, बिल्कुल। कौन सा प्ले है वो जो आप लोगों ने? हमने अभी रिसेंट किया था, और कमाल इन्होंने परफॉर्मेंस दी। तड़प किया, तड़प तड़प तड़प, तड़प बिल्कुल तड़पा दिया इन्होंने सबको, तड़पा दिया ना। आइए जी, इनका एक मैं पैकेज दिखा सकती हूँ, मेरी टीम पैकेज, एक पैकेज दिखाती हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा जो रिसर्च हमने इनकी की है। इस छोटे से, अभी ज़ाहिर है ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, इस छोटे से अरसे में इन्होंने काफ़ी काम किया है और बहुत पिविटल मेन रोल्स किए हैं और अपनी एक्टिंग से सबको मुतासर किया। आइए देखते हैं इनका एक छोटा सा पैकेज। मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी पहचान बनवा ली हमारी आज की मेहमान के बारे में अगर ये जुमला कहा जाए तो यकीनन गलत ना होगा। इन्होंने अपने पहले ड्रामे में सपोर्टिंग रोल करने के बाद अपने आप को एक मंझी हुई अदाकारा कहलवाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। आपने इंतहाई मुख्तसर अरसे में कई बड़े नामों के साथ जोड़ी में अदाकारी करके साबित किया कि मेहनत के साथ जो भी काम किया जाए उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। आपके मशहूर ड्रामों में छोटी सी जिंदगी, भोली बानो, थोड़ी सी वफा, सिलसिले, रमज़े इश्क, तड़प और फितूर शामिल है। जी आइए वेलकम करते हैं हिबा बुखारी। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। ये कोऑर्डिनेशन हमारी बड़ी अच्छी हो गई, आई थिंक दिल से बिल्कुल रहा होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप सुने, जब आप लास्ट टाइम आई थी उसके मुकाबले आप बहुत और दुबली हो गई। मुझे उस वक्त भी कहा था, लेकिन मैंने टीवी पे देखा था, ऐसा नहीं लगा था। लेकिन ये क्या है, मैं तो पिछली दफा से आप मुझे बहुत ज्यादा दुबली लग रही हैं। ये डाइट पे चली गई, ये क्या डाइट पे? डाइट पे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आपको खाने का बहुत बहुत शौक है। सामने क्या हाल है आपको? रमजान मुबारक, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। हमेशा इतनी खूबसूरत लगती है, सिंगल चाहते देखते रहो ना, बस देखते प्यारी लग रही है। मैं देख रही हूँ और माशाल्लाह आप तो धड़ाधड़ ड्रामे है। तो आप लोगों ने एक सीरियल में काम किया तड़प, मैंने अभी जिक्र किया था तड़प ना। हाँ। तो इन्होंने तड़पाया अपनी एक्टिंग से, जबरदस्त एक्टिंग की। ही इज अ सुपर्ब को एक्टर। हम लोग जब साथ काम कर रहे थे, मुझे एक, मैं इवन कहीं पे भी जाती हूँ मैं ये जरूर रेफरेंस देती हूँ कि जब आप काम करते हैं
आपको पता चलता है कि आप कभी किसी स्टार के साथ काम करते हैं तो कैसा लगता है? हाँ। So he is that star, माशाल्लाह, मुझे याद है हम आउटडोर शूट कर रहे थे और वहाँ पे जब लोग थे और वो इकट्ठे हो गए सबने और बहुत सारे लोगों ने आके हमें कहा, इनको कहने लगे कि देखिए बाबर भाई मैंने आपके जैसे बाल रखे हुए, एंड ही वाज कैरिंग एवरीवन, सो लाइक सी हाँ रुको 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 अभी मैं सीन करूँ फिर पिक्चर मैं देखता हूँ तुम्हारे बाल, हाँ मैं पिक्चर बनवाता हूँ, सो इट वाज ओवरवेलमिंग। वाओ, इन्होंने बताया कि ये पीटीवी के बाहर होते थे और इंतजार करते थे सारे सुपर स्टार्स उस वक्त के जो थे शकील साहब काजी वाजिद से मिलने का, तुमने कैसे एंट्री मारी है? तुम्हें किसी सपोर्ट किया इसी तरह तुमने कोई सहारा लिया तुमने कैसे? नहीं अच्छा मैं ये चीज़ पहले बता चुकी थी, मैं वापस कहूँगी और आई थिंक डेस्टाइन वे इन अ वे कि मैंने आपको बताया था कि हसीना मुइन जो थी उन्होंने कहा था कि लेट हसीना मुइन, अजीब लग रहा है ना कहना, मुझे बहुत मैं यू नो आई स्टिल कैन फील द शिगो और वो एक चीज़ होती है आई वॉज वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू हर और मुझे लगता है कि ये अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला ये बताने के लिए बिकॉज यू नो मैं आर्ट्स काउंसिल गई आई जस्ट से इट मैं आर्ट्स काउंसिल गई और वहाँ पे अम्मी ने उनको देखा, अम्मी ने उनको जाके हक कर लिया और अम्मी ने कहा कि अच्छा सही है मतलब मुझे अब बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी प्लीज़ थोड़ा रिजर्व हो जाए बिकॉज यू नो यू मीटिंग राइटर एक्साइटेड हो जाते हैं, आई नो अच्छा हाँ बिकॉज यू नो आप किसी ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं जो आपको पसंद होता है एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सही आप आ जाइए और मैंने कि मैं ऐसी लड़की चार साल से ढूंढ रही थी अम्मी से जब ये कहा आपसे ज्यादा क्रेडिट जाता है उनको अच्छी अच्छी लड़कियां उन्होंने इंडस्ट्री को दी हैं बिल्कुल बिल्कुल, लड़के नहीं वो ढूंढती थी लड़कियां ज्यादा ढूंढती थी मैं ये नोट कर रही हूं, वो ड्रामे बड़ी खवातीन पे बनाती थी बस एग्जैक्टली औरत बेस्ड जो एक स्टोरीज होती थी, बट आई थिंक वो चीज ही कनेक्ट करती है जो कि ज्यादा आपकी स्ट्रांग विल्ड औरतें होती हैं वो चीज कनेक्ट करती है औरतों को और अच्छी लगती है कि आप एक स्ट्रांग औरत को देखें स्क्रीन के ऊपर। अच्छा अम्मी तो हसीना मुइन से हुड़क के मिले लेकिन हिबा को इतनी आसानी से इजाजत नहीं थी काम करने की? बिल्कुल नहीं थी। फिर हिबा ने क्या पापड़ बेले? इन्होंने भी अपनी जिंदगी में पापड़ बेले वो किसी और वजह से लेकिन हिबा ने क्या पापड़ बेले? मैंने एक डिस्कशन की, अच्छा हमारे घर में एक डिस्कशन होती है, मैंने वही डिस्कशन की अपने अब्बू के साथ और मैंने कहा अब्बू प्लीज़ आप देख लीजिए अगर आपको लगेगा कि मैं आराम से सही से काम कर रही हूँ आप इजाजत देंगे तो कर लूंगी। तो ही अम्मी को नहीं मनाया अब्बू को मनाया क्योंकि अम्मी ने आगे अब्बू को कर दिया था कि यू नो तुम मुझे मना लोगी आप अब्बू से बात करो था ठीक है सही है लोग क्या कहेंगे तो मैंने कहा लोग वैसे भी कहेंगे फिर उन्होंने कहा माहौल मैंने कहा माहौल अगेन आप खुद अपना माहौल बनाते हैं ठीक है हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं बेशक आप पढ़ने जाएं आप कहीं पे भी जाएं किसी भी जॉब पे जाएं लेकिन वहाँ लोग होते हैं आप किस तरीके से आप खुद को कैसे लेकर चलते हैं ये बहुत मैटर करता है तो दिस वाज अ थिंग तो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता They got converted into it. अच्छा अम्मी ने ये क्या शर्त रखी थी काम करो लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आना ये क्या बात मतलब कि वो मेन लीड रोल नहीं करो क्यों नहीं बिकॉज तो? उनको ये था कि अच्छा तुमने शौक पूरा करना है ना तो शौक पूरा करके जल्दी से आ जाओ मतलब कि कहीं और नहीं जाना नहीं मतलब तो? बस आपने आपको शौक पूरा करना था आपने एक प्ले कर लिया अब आ जाए मतलब क्या जरूरत है आपको शूट करने की अम्मी को बताओ कि ये जब एक कहते हैं ना चस्का लग जाता है काम अच्छा का। हाँ ये वैसे ये मैंने सुना है और पता है मुझे याद है जब हम शुरू में शूट शुरू किया था हमने तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जो को एक्टर्स होते थे वो कहते थे ये बहुत अच्छी एक्टर है आंटी इसको करने दीजिएगा काम अम्मी कहती थी नहीं इसने बहुत काम कर लिया और नहीं काम करवाना हमने इससे कोई जरूरत नहीं क्या जरूरत है इन्होंने नानी को पटाया सही है ना ये बात नानी मेरी खुद ही जिस वक्त उन्होंने देखा स्क्रीन पे एंड शी वाज लाइक ओ अच्छा ये तो प्यारी लग रही है तुम कम क्यों आ रही हो ज्यादा आओ मैंने कहा ठीक है मैंने कहा माँ को मनाऊं या मैं माँ की बात मानूं माँ की माँ तो वो फिर माँ की माँ जो है बस अम्मा नानी अम्मा ने तो इज लाइक सब सही हो गया हाँ ये सही जाके आपने सही जो है ना बिल्कुल पकड़ी अम्मा की बिल्कुल ऐसे गया और भाई बाकी घर के और जो अफराद हैं वो अच्छा भाई जो थे वो एक भाई तो मतलब बिल्कुल ही उन्होंने पहले शुरू में बिल्कुल बात नहीं की ठीक है बट हाँ उन्होंने पहले शुरू में बात नहीं की और उसके बाद फिर यू नो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग देन ही सॉ कि अच्छा सही है कि आप अपने स्पेस में काम कर सकते हैं कोई बात नहीं ठीक है जैसे बाकी सब काम करते हैं तो फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है सही है फिर वो अब ड्रामा फॉलो करते फिर कभी कभी मुझसे पूछ लेते थे कि अच्छा बताएं आगे क्या होगा मैं कहती थी अभी नहीं आप पहले देखिए सस्पेंस है अभी मुझसे मत पूछें कि ये क्या है अच्छा तो वो इजी हो गया बट जो दूसरे वाले भाई हैं वो कहते थे अच्छा सही आपको शौक है तो कर लीजिए लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा देखिए यहाँ आपने अपनी फैमिली को मनाया तो वहाँ सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बाबर ने भी अपने अब्बू को कन्विंस किया उनको समझाया उनको राजी किया बिल्कुल अच्छा हर जगह जैसे कोई
मेरे अम्मा बाबी जब मैं फील्ड में आई थी तो मुझे था मैं जितने बजे रात को घर आना। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शंस हर जगह मिलती है। बिल्कुल ऐसे है। आपको क्या क्या लिख के दिया, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट कोई लिखवाया अम्मा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस ये था कि नहीं 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 हाँ। अच्छा पता है बचपन से ना वो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरी अम्मी अब्बू ने ये चीज़ हमें एक वो एक बाउंड्री लाइन दी हुई है जिसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपके लिए स्ट्रिक्ट होंगे, हम आपको मारेंगे, हम आपको डांटेंगे। वो बहुत आपको बता देते हैं कि ये गलत है ये सही है। चूज करना आपका अपना काम है, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से भी यही हुक्म है कि मतलब चूज करना, अल्लाह ताला ने हमें अथॉरिटी दी है अशरफुल मखलूकात बना के, राइट? लेकिन चूज करना कि हम क्या करते हैं, सही चूज करते हैं गलत चूज करते हैं, वो हमारे हाथ में, तभी गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे अम्मा अब्बा ने ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज किया कि अच्छा बेटा देखो सिलेक्ट कि अच्छा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी मुझे जब हम रात को सोते थे तो वो मुझे जिस वक्त सारी आयतुल कुर्सी और सारे कलमे पढ़ा के और सब कुछ करके स्टोरी सुनाती थी नेकी की, तो उस वक्त मुझे एक बात बताती थी कि जब कोई नहीं देख रहा तब अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे अभी भी मेरे पास है कि कहीं मैं कुछ कभी होता है, क्यों नहीं होता कि अगर आप कहीं कुछ झूठ बोलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो अचानक से पीछे से आई नो पीछे से हिंट करता है कि नो यू नो अल्लाह देख रहा है, तो आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा सही है ठीक है। सो देखिए जी, आज मेरे पास दो बहुत ही ग्रेसफुल बड़े प्यारे पर्सनालिटीज बैठी हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इनकी गप सुनने में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना आप कुछ लग रहा है अल्लाह, ये इतने खूबसूरत लोगों के बीच में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मैं शीशे में जाके देखती हूँ कि मैं वाकई सही लग रही हूँ उनके बीच में। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखिएगा शेफ आयशा, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं मिलूंगी ब्रेक के बाद। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके। तो जी बाबर अली एंड हबा बुखारी एक साथ हमारे शो पे, एक छोटे से वक्फे के बाद बहुत सारी बातें सिर्फ आपकी मुंतजर। वेलकम वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में इस वक्त आप मुलाकात कर रहे हैं बाबर अली एंड हबा बुखारी से और हम बड़े मजे मजे की बातें कर रहे थे। शुक्र है अभी तक जितने भी मैंने दो दो एक साथ गेस्ट बुलाया इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मिल रही है, वो इत्तेफाक हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, हमने सदफ को बहुत हिचकियाँ आने वाली हैं, अच्छा कि मिसेस को बहुत हिचकियाँ आने वाली हैं, वो अभी वो तिलावत करी लेकिन उनको हिचकियाँ आएंगी, उनका जिक्र मैं बड़ा करने वाली क्योंकि सदफ जो है जब आपने उनको प्रपोज किया तो आपको उनकी क्या एक चीज़ एकदम देखते क्या अच्छी लगी थी, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा क्या पड़ा कि वो घंटियां आपके दिल में बजने लगी? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। वो जो उसने ना सरफ ने एक हिजाब किया हुआ था तो मुझे वो चीज़ बड़ी अपील की, वो हिजाब में एक जो चेहरा था जो वो मुझे नजर आया तो बस फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ अच्छा, और उनकी खसूसियात क्या है, मतलब वो तो फिर शादी के बाद मैं जब आपको कॉल की जब आप गाड़ी में ही उनके साथ बैठे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप अपनी वाइफ का जिक्र कर रहे थे। मैं उन मर्दों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सीरियसली, कभी होता है ना अपनी बीवी से मजाक मस्ती करते हैं लेकिन जो अपनी बीवी की तारीफ करता है और इतनी रिस्पेक्ट देता है, मैं खुद ही गर्वीदा हो जाती हूँ उस आदमी की। ये सारी खवातीन ही मेरे ख्याल से ये चीज़ देखती हैं मर्द हजरात। तो आप उस वक्त कह रहे थे मेरा तो मेरा तो ख्वाहिश है मेरी बीवी ही मेरे साथ हो हर जगह हर दम, तो वो एक्चुअली क्या ऐसी इतनी मोहब्बत कैसे आपको उनसे हुई, क्या उन्होंने ऐसी शादी के बाद भी वो कायम और दायम है माशाल्लाह से? मैं समझता हूँ इसको तो कोई बनावट तो होती नहीं इस रिश्ते में, अगर ये रिश्ता जिसे आप निकाह कहते हैं बिल्कुल, तो आप जब मुंसलिक हो जाते हैं तो आपने अपने निकाह में ले लिया, फिर वो आपके बच्चों की माँ है, फिर वो आपकी लाइफ पार्टनर है, फिर वो आपके हर गम में आपके हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ी है, तो फिर वाई नॉट आप भी अपनी पूरी 100% दें। तो मेरी कोशिश यही रही है सफ़र में। हाँ ऊंच नीच मियाँ बीवी में ना हो तो मैं समझता हूँ तो फिर वो प्यार ही नहीं है ना, वो रिश्ता ऐसा है। हाँ लेकिन ऐसी हो कि आप फौरन ही कुछ घंटों में एक दूसरे की तरफ दोबारा चले जाएं तो वो रिश्ता उतना ही मजबूत होता चला जाता है, तो हमारे रिश्ते में भी ऐसा ही है। होम मिनिस्टर वो हैं घर की। हाँ बिल्कुल, मैं तो क्या पकेगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हाँ सब कुछ, कहाँ जाना है, पकेगा तो पकेगा तो पूछ लेती हैं, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि अब आप ये ना करें अब मेरा कुछ दिल है तो वो कुछ और पक रहा है, ऐसा भी नहीं है तो पूछ लेती है कि क्या खाना है आपने। अब रमज़ान शरीफ में तो बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं कि उन्होंने कोर्स किए हुए मुख्तलिफ खानों के, अच्छा तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैं समझता हूँ मेरे साथ बहुत से पाकिस्तानी मर्द हजरात इस बात से इत्तफाक करेंगे, आप कितना भी प्यार कर लें अपनी बेगम से, कितना ही आप इश्क कर लें, आप
रांझे हो, आपकी बेगम हीर क्यों ना हो, अगर उसको खाना बनाने नहीं आता ना, तो आप, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपनी बहनों को ये नाराज़ नहीं करना चाहता, बल्कि सीख से आप चीज़ें सीख लें, अगर आपने मियाँ के दिल में जगह बनानी है तो थ्रू वो स्टमक और मैदा खाना, ये यू नो पेट के थ्रू। मैं इसलिए अग्री करती हूँ कि जब मेरी भी शादी हुई तो मुझे खाना नहीं पकाना आता था, लेकिन एआर भाई ने मेरी वहाँ कुकिंग शो दे दिया मुझे, अच्छा, मुझे खाना पकाना आ गया। यासिर की सेहत से तो मुझे लगता नहीं खाने, तो आप माशाल्लाह क्या बात है, एक्सपेरिमेंट किए मैंने उसके ऊपर। यासिर आज मैंने ये सीखा है, खाओगे आंख हिला दो, यार क्या तुम्हारे हाथ में तो बड़ा टेस्ट है। देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा था कि एक कामयाब शादी में एक अच्छा शेफ का हाथ भी होता है, बीवी एक अच्छी शेफ, उस हवाले से सदफ ने बहुत सारे कोर्सेज किए खानों के, ना सिर्फ किए बल्कि बेतहाशा मेरा लगवाया भी, बैंक वाला हिसाब भी, और फिर वो साबित भी किया। अच्छा, पहले से ही वो अच्छा कुक करती थी, कुछ अरेबिक फूड से, अच्छा वो भी, बल्कि सेट पे मेरी हिबा से बात भी होती थी खाने के हवाले से, मेरी बेगम के, ये शौकीन है, हाँ ये भी माशाल्लाह शौकीन है। तो अगर खातून को खाना बनाने आता है और आपकी लाइफ पार्टनर है तो फिर तो आपकी जिंदगी हसीन है, और आप खाने के शौकीन है। मैं देखिए एक टाइम तो मैं बहुत, मतलब आपने एक टाइम खाना है, मैं हर वक्त खाने वाला आदमी नहीं हूँ, रात में बहुत लाइट लेता हूँ, लेकिन दोपहर का खाना जरा अच्छा हो। अच्छा देखिए, हर हस्बैंड की अलग डिमांड होती है, कुछ हस्बैंड कहते हैं जब मैं घर आऊँ ना तो मेरा घर साफ सुथरा हो, बेगम तैयार हो, आपका शुमार उन हस्बैंड्स में होता है कि नहीं बस खाना पका होना चाहिए? नहीं, नहीं, काफी है। नहीं नहीं खाना नहीं, खाने का इतना फोकस नहीं होता कि बस जरा तुम जरा जरा और बेहतर। बट ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि मतलब अच्छा खाना तो है, खाना कंपलसरी है क्योंकि दिल का रास्ता पेट से आएगा, लेकिन तुम भी जरा देखें, ये नहीं कैसे आप ऐसा ना हो ना कि आप किचन की तरफ गई हैं तो बस फिर आप, और ऐसा नहीं, हेल्पर्स तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो भी मेरे बच्चों की तरह जो घर में है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं मुलाजमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो फैमिली मेम्बर्स की तरह, हम दस्तरखान पे जब बैठते हैं हम सब एक साथ बैठते हैं, मैंने सिर्फ मेरे वालिद साहब सिर्फ होते हैं, चूँकि वो नीचे मैं उनको नहीं बैठाता और वो बुजुर्ग हैं तो वो उनके लिए एक कंफर्टेबल चेयर होती है जी। और जब वालदा आ जाए तो वो भी, हम लोग सब, मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगा है कि मैं ज़मीन पर बैठ, मैं सोता भी ज़मीन पर हूँ। नहीं यार जी, मेरे साथ जी जी आगे मेरी हड्डियाँ झुकती हैं, सुन तो ले, मेरे साथ तो ये जुल्म हुआ था, फिर उस जुल्म का आदी हो गया मैं, पहला बच्चा आया मैं ज़मीन पर गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर मेरी आदत पड़ गई, फिर मैं ज़मीन का वक्त लगा, अब मेरा दिल नहीं लगता, मैं जहाँ आता हूँ वहाँ ज़मीन पर होता हूँ, मैं मेरे जो जहाँ भी ठहरता हूँ तो वो हैरान होते हैं, सर हमने तो बड़ा शानदार बेड है तो आप ये एक्स्ट्रा मैट्रेस क्यों लगवा रहे हैं? मुझे आदत है जी, मैं यानी आप होटल में ठहरेंगे जी जी, सॉरी एक मुझे एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए, ये वाकई ऐसा ही होता है ना, एक एक आध दफ़ा ऊपर मैं सो भी गया तो मुझे मज़ा नहीं आया, वापस आ गया, नहीं आदत पड़ गई है ना जी, तो ऐसा नहीं है, तो बड़े मजे की आपने मुझे बात बताई जी जी, ऐसे तो शुक्र है कि उन्होंने आपको ये कौन कहता है माए सेक्रीफाइस करती हैं, बाप भी करते हैं, मैंने किया शुक्र मैं ये कर रही हूँ कि उन्होंने आपको ये नहीं कहा सुने आप दूसरे कमरे में जाके, नहीं नहीं मैं तो कभी भी ना जाऊं, क्यों जाऊं। अच्छा वैसे वाकई सच बताएं आपको, आपने बच्चे रोए हैं रातों को तो आपने जाके चुप करा है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे, मैं आपको बताएं हमारे शो बिजनेस में सुबह आप भी काम करते हो, लेट नाइट आना और मैं तो उस दौर में बच्चे आए जब 16 साल 17 साल पहले जब मैं एक दिन में 15 शूटिंग 14 शूटिंग्स करता था तो घर बाजूकात में 4 घंटे के लिए आया हूँ तो 4 घंटे में सोना और छोटा बच्चा है बेटी मेरी पहली बेटी अब वो आधी रात रो रही है तो भी मुझे अच्छा लगता अगर सदफ उसका दूध बनाने गया तो मैं बेटी को नींद में हूँ हाँ देख रहा हूँ और ये सब कुछ किया जो एक एक नॉर्मल बाप करता है मैं भी वैसा ही बाप हूँ कुछ सोच सकता है कि फिल्म स्टार जो है वो भी ऐसे बाप होते हैं हम नॉर्मल होते हैं डोंट यू थिंक हम सब नॉर्मल होते हैं जैसे यार मतलब देखो जब हमारा काम ऐसा है ना जैसे लाइक मेरे अब्बा ने मुझे एक जमाने में यूं बढ़ते हुए देखा है कि वो रातों को शूटिंग्स कर रहे होते थे अच्छा मैं आपको एक चीज मैं बताऊं मेरे वाले साहब ने मुझे कहा यार बाबरली तू एंज कर बच्चे हो गए ने तू कम भी करना है तू किस तरह तू मैनेज किवें करेगा तू अलग कमरे से हो जा कर तो अल्हम्दुलिल्लाह घर तो ठीक ठाक है और कमरे भी हैं लेकिन मैं फिर भी अलग कमरे में नहीं गया मैं फिर भी वही मुझे उन आवाज़ों से अपने बच्चों की मुझे अच्छा लगता देखिए हमने मोस्टली टाइम तो अपने 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 साथी एक्टर्स के साथ सेट्स के ऊपर
तो वो जो कम टाइम था उसमें भी मैं अगर दूर हो जाता तो मैंने हर दौर में अपने बच्चों को अपना टाइम दिया और अपनी प्रेजेंस रखी, उनके बीच में रहा, उनकी चीजों को सुनता रहा। तो वो चीज नजर आती है। अभी जब मैं, आपने बीच में फोन भी करवाया, घर तो मैंने किया, तो सब अट्रैक्ट थे वो, लेकिन वो कहीं किसी ड्यूटी पे लगे हुए थे क्योंकि रमजान की रातें हैं, वो करना है जो हमने, जो हम पर फर्ज है एज अ मुस्लिम, तो वो भी तो करना है ना हमने। इतना उनका जिक्र हो रहा है, उनको हिचकियां भी आ रही होंगी। आई मैं एक वीडियो शेयर करती हूं आज, तो वीडियो उसका दे दे की। हां ना, अब क्या है, बस नहीं है, मुझे नहीं पता इसका, आप यकीन करें मुझे नहीं पता ये कब बनाई इन्होंने, मुझे वाकई नहीं पता ये कब बनी। टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह। मैं वाकई नहीं जानता नहीं था, ये मैंने आज देखी आपके शो पे, आपकी टीम कौन है भाई, ये तो और भी निकालेंगे मुझे, डिटेक्टिव टीम है, कहां से रखी है, कहां स्पाई कर दिया, मैंने वाकई अभी देखा। ये मुझे ज्यादा डरा रहा है, इट्स लाइक कि कोई मेरे पास भी ऐसी कोई घर की वीडियो आ रही है। कौन सी टीम रखी हुई है, कोई टीम रखी हुई है ना, डिटेक्टिव निदा टीम हर जगह से ज्यादा रिसर्च करके बैठी है। हिब्बा तुम्हारा क्या ख्याल है, लाइक तुम्हारा मतलब तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं, हिब्बा की माशाल्लाह डिमांड होता है, जो ऐसी प्यारी प्यारी सी हीरोइंस आती हैं तो उनके रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। मेरे रिश्ते बचपन से आ रहे हैं, मेरा पहला रिश्ता आया था जब मैं क्लास 6 में थी। तो मतलब वो मुझे एक आदत है अभी, मतलब ये होता था यूजुअली कि अगर किसी शादी में, कहीं भी नॉट इवन स्पेसिफिकली शादी, ऐसे भी हुआ कि हम फ्रूट्स ले रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, हम रोड पे भी चल रहे हैं, तो फिर आंटी ने आके पूछा है कि बेटा आपका नाम क्या है, क्या करती हो, मैं कहती थी एक मिनट वो मेरी अम्मी है, आप उधर जाइए उनसे बात कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। तो मुझे, क्योंकि मुझे पता होता था कि इन्होंने यही वाली यही वाली बात, तो वो ईजी था। ओहो, तो आपको आदत है। मुझे आदत है यार, कितना मजा आता है वैसे लड़कियों को भी रिजेक्ट करने में, मजा आता है। हाँ, रिजेक्ट नहीं बट अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे यू नो कि वो एक वक्त होता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि कब करना है, किसे करना है, आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप नहीं सोच सकते, एक वक्त होता है और अल्लाह का एक हुक्म होता है कि उससे ही होगा और उसी वक्त होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद, राइट। कुछ सोचा तो होगा कि लाइफ में जिससे शादी करूंगी उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए और अल्लाह करे ये चीज ना हो, कुछ तो सोचा होगा हिब्बा ने। मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे वाली थोड़ी सी ये कि उसको अपनी बाउंड्रीज बताओ, उससे पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से, क्योंकि सी आप किसी के ऊपर ना आप अपना चीज़ इम्पोज कर सकते हैं, ना आप डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, ना आप कुछ वो क्या बाउंड्रीज हैं, यानी कि जैसे बहुत डोमिनेटिंग क्या, मतलब बहुत आम जो अल्लाह की तरफ से जो आपकी नॉर्मल इंसान की एक बाउंड्रीज हैं कि आपने जिसके हिसाब से एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजारनी है, वो जो बंदा खुद से लॉयल होता है, अपनी फैमिली से लॉयल होता है, मुझे लगता है कि पता है मेरी अम्मी मुझे ये हमेशा कहती थी कि अगर आपकी जो भी लड़का है वो अगर अपनी फैमिली से लॉयल है वो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि उसे वो रिस्पेक्ट पता है, उसे वो रिश्तों का पता है कि अच्छा हाँ ये रिश्ता जो है वो इस तरीके से, इसकी ये इज्जत है, इसका ये तकद्दस है। तो जब आप उसके अंदर होते हैं वो नेचुरली एक चीज़ आ जाती है कि अच्छा हाँ वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपसे प्यार करेगा, उसे पता होगा कि किस तरीके से रखना है। वो नेचुरली हम जिस तरीके से घर में देखते हैं, मतलब अगर मेरे अम्मी अब्बू हो गए वो एक दूसरे से जिस तरीके से प्यार करते हैं, आप जो देखते हैं वही चीज़ होती है, ठीक है, तो वो जब वैसे करेगा मुझे लगता है वो चीज़ अच्छी होगी। हाँ, तो अब ये खोज लगानी पड़ेगी कि वो क्या है, वो क्या ख्वाहिशात है जो हिब्बा के। मुझे ना, मैं अभी हिब्बा कह रही है, मुझे एक बात याद आई, मेरी वालदा बड़ी अच्छी एक बात कहती है। हिब्बा, ये आपकी वालदा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, आगे मेरी भी दो बेटियाँ जी, तो मैं पहली बच्ची हुई तो मैं बड़ा परेशान, मैं क्या अब इसको भी, पहले अभी महीने की नहीं हुई, मैंने कहा एक दिन इसकी शादी कर दूंगा मैं, तो मैं रोए जा रहा हूँ, लड़का कैसा हो कैसे, फिर अल्लाह ने बेटा दिया, फिर एक बेटी दे दी, तो मैं और रोने लग पड़ा, बेटे पे मैं खुश हुआ, इस तरह नहीं, मैं रोने से कि इसको एक दिन मैं चली जाएगी। अच्छा, तो मैंने कहा अम्मी जी मैनू यह दसो कि हूँ मैं किस तरह को लड़का कैसे, मैं बाप और एक भरम होता है बाप का। आप अम्मी ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, और बुजुर्ग अक्सर अच्छी बात ही बताते हैं, अभी आपकी वालदा मोहतरमा की मैंने बात सुनी, तो उन्होंने कहा उस लड़के को गौर से देखना कि उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता कैसा है, वो रिलेशन कैसा है, क्या उनके साथ उसकी बातचीत, उठना बैठना माँ के साथ, उनका अखलाक कैसा है। तो ऐसे लड़के को बेटी देते वक्त हम देख लेना कि बेटा अपनी माँ के साथ कैसा है। देखिए, यहाँ उल्टी सोच होती है,
कि अगर कोई अपनी माँ के साथ अच्छा होता तो कहते हैं हाँ भाई वो तो माँ के कहने में है, ये गलत है ना लोगों की, तो कहीं और चली जाएगी बात। नहीं ये यहाँ पे कितनी गलत सोच है, लेकिन आप लड़कियाँ कितना, आप कितना गलत सोचती हैं, आप लड़कियाँ कितना गलत सोचती हैं कि माँ के साथ बेटा जो करीब होगा। नहीं नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना, मैं तो मजाकन कह रहा हूँ लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है बहुत। ये आपने प्यारी बात कही, आप देखिए आपने, मैं खुद बेटियों वाला हूँ तो आज मेरी बेटी जाएगी तो मैं तो कहीं बैठा उस लड़के को देखूंगा ना कब कैसे माँ आती है तो क्या कर रहा है। तो कुछ बच्चे अपनी माँ के आने से उठते हैं, कुछ नहीं आज ठीक है तो पता चल जाता है, वो फिर आपकी बेटी को भी वही ट्रीट करेगा। बिल्कुल, तो थोड़ी सी चीज अब इस पे, अब मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि वो लड़का बिल्कुल ही गलत है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि वो उसका क्या माइंड सेट क्या है उस बच्चे का। हाँ, कि वो अपनी बहन और माँ को कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। माँ मैं ज्यादा कहूंगा, बहनों के साथ तो देखिए नोक चोक रहती है, अब अब्दुल्ला बहनों के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े इनके, ये ना हो तो मुझे लगता ही नहीं नॉर्मल है ये लोग, तो नॉर्मल बैठे होते मैं तो कहता हूँ अल्लाह खैर करे क्या हुआ है इनका मूड ऑफ है। मेरे भाई के साथ यही होता था कि अगर मैं और भाई बैठे हुए हम लोग इसी तरीके से, हम लोग कभी रेसलिंग कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। और जब बिल्कुल कभी ऐसे अम्मी कहती थी तुम लोग दूर दूर बैठो, एक इस कोने में एक उस कोने में, फिर हम दोनों एक दूसरे को यूं करके देखते थे कि अच्छा सही है अब कुछ नहीं करेंगे, नहीं रहा जाता बिकॉज आप नहीं दूर रह सकते, सवाल ही पैदा नहीं रह सकते। तो अब मैं, हम दोनों जब एक दूसरे के पास यूं जाके फिर वापस ऐसे बैठते थे, फिर अम्मी देखती थी तुम लोग फिर घुस के बैठे हुए हो, अब अगर कोई रोया किसी की आवाज आई मैं बहुत डांटूंगी। मैंने ना बीच में ना, मैंने कुछ कराची में ये कोविड की वजह से तो फ्लाइट्स बंद हो गई, तो मैं बीच में अपनी गाड़ी में ट्रिप किया बच्चों के साथ, मेरी बहन की बेटी की मंगनी भी थी उसमें भी मैं शरीक होना था, तो सफ़र लंबा है आपको पता है 18-19 घंटे, आते वक्त तो हमने स्टे ले लिया, जाते वक्त मैंने कहा मैं नहीं स्टे करता कोविड, भाई आप वहम करते हो कहाँ रुकना क्या करना बस घर पहुँचो। तो प्लानिंग ये की कि अब बच्चों के झगड़े होते हैं ना पीछे, अपनी अपनी टीमें बनाई होती है पीछे, एक सियासत चल रही होती है। अब मेरा था कि यार तुम मेरे साथ बैठो सदफ, तो सफ़र लंबा है तो कॉफ़ी भी पकड़ा दोगी, हाँ, चाय भी हाँ, पकड़ाओगी, हाँ, ये सारा चीज़ चलेंगी, मैं कुछ ड्राई फ्रूट होगा वो खा लूँगा तो मैं हाँ, चलाता रहूँगा। अच्छा तो अब मेरा इरादा बीच में कहाँ बदला, मैं जब चला रहा हूँ, जब मैंने याद किया तो वो सो चुकी हैं बेगम साहिबा, वो सोई हुई हैं। अच्छा मुझे पिछली पार्टी को आगे बुलाना था तो मैंने उनको खुद कहा कि अब झगड़ा शुरू करो, एक हाथ तो आगे आए तो झगड़ा हुआ, तो प्लानिंग फिर बारी बारी आगे आए, क्योंकि फिर एक पार्टी जब लड़ती है ना, यानी एक एक बहन भाई लड़ा है तो बीच में बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन और भाई का तो छोटी आ गई, दोनों बहनें लड़ रही हैं तो बहन भाई बीच में आ गया, नोक चोक बिला वजह भी। अब मैं इस साइड पे बैठना था, ये वाली साइड मैंने देखनी थी, अब ट्रिप जो लंबा 18 घंटों का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खूबसूरती है रिश्तों की और ये वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म भी हो जाती है और अच्छा लगता है, मतलब वो आपको अट्रैक्ट करती है वो चीजें। अच्छा स्पेसिफिकली रमजान के अंदर फ्रूट सैलेड बनता है हमारे घर, ठीक है, तो वो फ्रूट सैलेड पे अब जिस दिन मैं नहीं होंगी तो वो कहते हैं आज मज़ा नहीं आया, बिकॉज नेचुरली होता है कि आदत है हमें साथ खाने की, तो हम लोग जब वो फ्रूट सैलेड बनता है वो बोल पे यूँ होता है कि अच्छा से ये लड़ाई होने वाली है कि कौन खाएगा, एक मिनट ये मैंने, अम्मी इन्होंने ज्यादा लिया है, इन्होंने ज्यादा ले लिया, अभी क्यों ये होता है, अभी तक ये होता है। कितने बहन भाई हो तुम लोग? मैं, अच्छा मेरा एक भाई जो है वो मेरे साथ ही रहते हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे हैं जो मेरे साथ होते हैं, वो भी मेरे बहन भाइयों की तरह ही है छोटे से, ठीक है। और एक भाई जो है वो दादी के साथ रहते हैं और एक बहन जो है वो रहती है हमारी अमरीका में, हमारी अमेरिका में रहती हैं वो। अच्छा अच्छा, तो उनके भी बच्चे हैं, वो भी बहुत प्यारे से हैं, मेरे तीनों बहन भाइयों के बच्चे हैं, सारे बहुत प्यारे प्यारे से हैं, बट ये वाले भाई के बच्चे जो हैं दे कॉल मी हिबा, ये डायरेक्टली मुझे नाम से बोलते हैं हिबा, ठीक है, वो खाला बुलाते हैं बहन की बच्चे और जो दूसरे भाई के वो भी फूफो बोल देते हैं, फूई बोल देते हैं, लेकिन ये जो है ये मुझे हिबा बुलाते हैं, मतलब अच्छा दरवाजा यूं नॉक होता है कि हिबा ये चाहिए, एंड आई एम लाइक आपकी इज्जत कर रहे हैं हम, ठीक है आप ये कर ले, हमने अच्छा सही है ठीक है, बट आई लाइक इट, इट्स फन। मैं दिखाती हूँ आपको बहुत सारी वीडियोस, आपने नहीं देखी तो चले मैं आपके ही बच्चों की वीडियो, आज हम वीडियो पे आए हैं, आज हमारा इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, आप क्या है दिखाइए जी, दिखाइए। कौन कहता था कि हर रोज संडे जैसा होना चाहिए, हो गया भाई अब कुछ संडे ही हो गया। बाप मेरी ना सुने मैं बाप की ना सुनूं, क्या गाना गा रहे हैं, प्यारा कौन है वे तेरा रोजा नहीं, मैं भूल गया सी यार, मुझे मार ही देगा ये तो मैंने
आई स्वेयर मैंने ये वीडियोस नहीं देखी अब्दुल्ला की, कौन से चला रहे हो पंजाबी वाले? ये मेरे मैसेज बज रहे हैं निदा, निदा 5 मैसेज बज गए, क्या करवा, क्या हो रहा है ये मेरे पास? नहीं मैंने नहीं देखी है, मेरा बेटा मैसेज कर रहा है, ये कौन से? देखिए शायद उसने और वीडियोस भेजी। नहीं मुझे नहीं भेजी वो, मुझे पूछे हो क्या रहा है उधर, उधर उर्दू वाले मेरे सारे पंजाबी वाले। भाई कल बुशरापा आई थी हमारे शो पे, खुशी अंसारी, उनकी बचपन की, उनकी जवानी की, उनकी पता नहीं कब कब की पिक्चर्स हमने निकाल निकाल के दिखाए, और जैसे अभी हम हंस रहे हैं ना आपके बच्चों की वीडियोस देख, उनके पिक्चर्स देख के हमें इतनी हंसी आ रही थी। आपकी और... टीम को हायर करना चाहिए, बहुत से काम इनसे, ये बड़ी खुफिया राज ही तो जो भी इसके निकाल सकते हैं। आपके रिश्तेदारों से ही जमा करके जो है वो लगाई है, छुपन छुपाई करके रहती है, क्यों स्पेसिफाइड? अच्छा पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा हिबा, अब हमने एक दफा सेट पे भी बात की थी कि हमें ना पोस्ट करते हुए चीजों को मैं नाज़रीन से भी कहूंगा और आपके शो पे कहूंगा, हम बड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। और स्पेशली जो बच्चे हैं जो माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं, छोटी उम्र के भी, अब तो सभी भाई हर वक्त तो घर में सब बैठे हैं, सब इधर में है, तो अम्मा बाबा की परवाह नहीं, सब करें, कोई कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कोई चीज पोस्ट करें, अगर आपकी एजुकेशनल चीज है तो उसको भी देखें, और अगर दीनी है तो बी वेरी केयरफुल, उस पर रिसर्च करें, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, और आप पॉलिटिकल भी कोई आ जाती है नेचुरली, जरूरत ही नहीं है कोई ऐसी चीज की, और डबल चेक करें, और पेरेंट्स का भी काम है। पिछले साल की न्यूज़ उठा के अभी डाल देते हैं, देखें हमने कहा हाय अल्लाह ये क्या हो गया कि ये हो रहा है, लेकिन फेक न्यूज़ की इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ नहीं, मेरा मेरे साथ तो किया उन्होंने कि मेरी खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये हो गया, मैं यूएस में था तो मेरी वालदा इधर है, आप देखें, हालांकि अम्मी जी ने 15 मिनट पहले गल हुई है। हाँ, फिर मेरे बच्चा, मैं अम्मी जी मैं ही हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अम्मी जी फिर शोर रो रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आप सोचे, हमें कोरोना हुआ था, मई में हमें कोरोना हुआ था, और मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं किसी पार्लर गई थी ना, तो पेडीक्योर कराई थी, तो मेरी कोई ऐसी पिक्चर थी कि मैं पैर ऐसे करके नहीं हूँ, इन राजून निदा यासर का इंतकाल हो गया, मैं खुद देख रही हूँ, मैंने कहा है, और तस्वीर भी वो पेडीक्योर वाली लगा दी। नहीं ना, ये तो वो कभी कभार, ये चीज भी मैं इस चीज को भी नोटिस में लाऊंगी कि ये जो आप जब सिर्फ पिक्चर क्लिक करते हैं वो प्लीज परमिशन लेके करनी चाहिए, कि अगर यू कोई बंदा खा रहा है या कुछ कर रहा है आप उससे पूछ नहीं, क्रिमिनल लॉ है, वीडियो में भूखे रहते हैं बेचारे। नहीं नहीं, ये एक लॉ है जो कि आपको नेचुरली फॉलो करना चाहिए, क्रिमिनल केस हो सकता है आपके ऊपर। हाँ, कि आप ऐसी बगैर पूछे कैसे आप परमिशन के पीछे खींच सकते हैं? आप पाकिस्तान की बात करिए, शुरू करने की एक छोटा सा वक्फा ले रहे हो जी, GMP शान ए सहूर में आज हमारे जो गेस्ट हैं, ये वाली बातें जो ये कर रहे हैं इन्होंने कहीं भी किसी इंटरव्यू में नहीं की, मैंने सब देखा है और मैं बड़ी खुश हूँ। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, आदत से मजबूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP शाने सऊर, और कुछ हम बड़ी देर से बातें कर रहे थे, बातें करते करते एकदम भूख लगने लगी और हमें शेफ आयशा की याद आ गई। बिल्कुल जी, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बनाई जाए एक झटपट मजेदार सी रेसिपी, और आज हम बना रहे हैं निदा मसाला मैक्रोनी। अच्छा, मैक्रोनी एक ऐसी चीज है जो कि बनती है घर में डिफरेंट सीजनिंग्स के साथ बनती है, ये मेरी एक स्पेशल रेसिपी है जो कि बड़ी देसी बड़ी चटपटी सी है, और इसको हम बना रहे हैं भला किस से, कॉल्सन की मैक्रोनी से। कॉल्सन की एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, 50 साल से हमारे घर की हमारे किचन कैबिनेट की जीनत बनता आ रहा है, और इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ ये कि आप बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं, लज़ानिया शीट्स हैं उससे आप बना सकते हैं, एग नूडल्स हैं, स्पेगेटीज़ हैं, इनकी रेसिपी मिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैक्रोनी इस्तेमाल कर रहे हैं आज, और मुझे जो कॉल्सन की अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि जब हम लोकल ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं तो क्वालिटी पहले दिमाग में आती है, तो क्योंकि यूरोपियन प्लांट्स पे बनाया गया है, जो मैदे की आटे की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हमें पता होता है कि लज्जत भी होगी और मज़ेदार भी होगा, दोनों चीज़ें जो हैं वो होंगी, क्वालिटी भी होगी, और एक मज़े की बात यह है कि आप बहुत सारा बनाएं और फैमिली के साथ बैठ कर खाएं, है ना? ये तो ज़रूरी है, और ढूंढना नहीं पड़ता आपको, मारा मारा नहीं फिरना पड़ता इसके लिए, हर मार्केट में कहीं भी आप जाएंगे तो कॉल्सन जो है वो हर जगह अवेलेबल है, तो इस वजह से हमने इस्तेमाल किया है कॉल्सन का आज तक झटपट
पूरी फैमिली के लिए मजेदार सा हम बनाए मसाला मैक्रोनी। मसाला मैक्रोनी, इसमें आपने कौन सी वाली मैक्रोनी इस्तेमाल की? अच्छा, इसमें हमने इस्तेमाल की है एल्बो मैक्रोनी। अच्छा अच्छा, अब हमने किया ये था थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कि हमने 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया, उसमें हमने चॉप्ड प्याज ऐड किया और उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, क्योंकि आज हम बना रहे मसाला तो जैसे कोरमे वाला नहीं होता, थोड़ा सा उस तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, उसको थोड़ा सा पकाया, उसमें हमने 2 अदद टमाटर शामिल किए ताकि मसाला बने, क्योंकि नाम ही मसाला मैक्रोनी से। फिर उसके बाद हमने इसमें चिकन का कीमा शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया। अच्छा, मैक्रोनीज में यहाँ आपको दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसमें कुछ मसाला शामिल करेंगे। मसाले के लिए कुछ तो हम सब्जी शामिल करेंगे, जो कि सब्जियां खिलाना भी जरूरी है घर वालों को भाई, छुपा छुपा के, है ना? बिल्कुल, और साजिश, पूरी साजिश कर करके ना, हेल्दी साजिश, हेल्दी खाना। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें हम ऐड करेंगे इसमें, ये 2 टीस्पून के बराबर है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी, और आप सोच रहे होंगे मैक्रोनी में हल्दी कौन ऐड करता है? मसाला मैक्रोनी बनाते हुए आप ऐड करते हैं। बिल्कुल, पता है हल्दी इम्यून सिस्टम के लिए इतनी अच्छी है कि ये तो एक नेमत है, मुझे लगता है पाकिस्तान में जो हल्दी जिस तरह आमतौर पर मिलती है। बिल्कुल, आप ड्राई वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रियल वाली हल्दी होती है ना वो भी इस्तेमाल, आंबा हल्दी कहते हैं ना उसे। ये क्या डाला यहाँ पे? हमने ऐड किया चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, जरा इसको और रसमसासा बनाने के लिए। और मैक्रोनी का और हरे धनिए का कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट ट्रस्ट मी यू आर गोना लव इट, बहुत मजे का लगेगा। पाकिस्तानी मैक्रोनी बनाए आज है, बिल्कुल धनिया आया और पाकिस्तानी खाना है ना। हाँ। हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी इस गर्मी में, इस शिद्दत वाली गर्मी में बहुत अच्छा है सेहत के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये हम सबसे आखिर में डालें जब लाइक अब हमने अब इसको डिश में निकालना है। बिल्कुल, डिश में निकालना है। अच्छा, और थोड़े से हम इसमें मटर ऐड करेंगे, वो पहले से उबले हुए, पहले से हमने बॉईल करके रखे हुए हैं मटर यहाँ पे। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अब हमारी कॉल्सन की एल्बो मैक्रोनी। आप चाहें तो आप इसको स्पेगेटीज के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हमने कल बनाई थी रेसिपी। आप चाहें आप इसको कॉल्सन की एग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। ओके, सो इट्स योर विश, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन हमने कहा प्याज भी सबसे, ये देखिए सब चीजें आखिर में डाल दी ताकि कलर भी उसका रहे। हाँ। और जो सब्जी की अफादियत है ना वो भी हमें जरा फील भी हो, खाने में भी अच्छा हो। ओके। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी कि जितनी मैक्रोनीज है ना निदा, उतना ही मसाला है। उसकी वजह ये है कि ये एक फुल मील है। कभी कभार हम कंजूसी करते हैं, मैक्रोनी ज्यादा डाल देते हैं, मसाला है कम डालते हैं, और हम ढूंढ रहे होते हैं अच्छा किधर है बोटी, अच्छा किधर है वो मटर। बिल्कुल, और इसमें सब्जी भी आपको मिल रही है, यानी विटामिंस भी इसमें है, कार्ब्स भी इसमें, फुल मील है ये। इसके साथ आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। कभी कभार शहरी में ऐसा होता है कि आपसे पराठा रोटी नहीं खाई जाती, आपके गले से नहीं उतरती, तो एक ये गजाइयत से भरपूर मील जो है आपके लिए तैयार है। एब्सोल्युटली, कितना इसको खाना आसान है। हाँ। और पता है इस दौर में, कोविड के दौर में तो हेल्दी खाने खाना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा ना आपके। बिल्कुल, और आपको मैं एक बात बताऊं मेरा कि जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं, जो भी फूड सप्लीमेंट्स आप खाते हैं ना, आप विटामिंस ले लें, कुछ भी ले लें, वो इतनी आसानी से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होते जितना नेचुरल सोर्स से होता है। तो ये तैयार हो गया, बस झटपट अब डिश में निकाल। पता है हमारी, हमने एक सर जोड़ के प्लानिंग की थी कि हम खवातीन को ज्यादा देर किचन में नहीं खड़ा रहने देंगे। बिल्कुल, वो अपने घर वालों के साथ बैठ के इंजॉय करें सहरी भी अफतारी भी। तो कुछ ऐसी झटपट डिशेज हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपकी सहरी और अफतारी को आसान बने। एब्सोल्युटली, और इसी वजह से मैंने मतलब खाली जो है ना आपका फोकस खाने के साथ साथ, खाने के अलावा इबादत में। बिल्कुल, जो मेन मकसद है, मेन मकसद इस महीने का। बिल्कुल, तो तैयार है। बिल्कुल, हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। हाँ। और थोड़ा सा मैं जरा इसको एक लाल स्प्रिंकल कर दें, कमी थी पर मैं उठा के उधर ले जा रही हूँ, क्योंकि ये कह रही है मैंने जाके अपने भाई घर में भी सहरी तैयार करनी है, तो आयशा जो है हमें गुड बाय करके निकल जाएंगी भाई। बिल्कुल, अब मैं घर जाके यही बनाऊंगी और फिर यही एंजॉय करूंगी। हाँ, ये देखो जरा, अब जो बचा है वो मैं घर ले जाऊंगी। बिल्कुल, जबरदस्त, ले जा सकते हैं। अपने पार्टी में पोर कर देती हूँ। हाँ, और मैं अपने मेहमानों के लिए जो है वो प्लेट्स अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद जरा मंगवाऊंगी, कांटे और प्लेट टेस्ट 3C लेके आएगा। ये हम यहाँ रख रहे हैं। और जी, जैसे कि आप अगर जिसने अभी हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि किसी का मूड कभी होता है कितने बजे, किसी का मूड कितने बजे होता है, तो बाबर अली साहब और हिबा बुखारी हमारे साथ आज शो पे हैं और बहुत मजे की बातें हम एक दूसरे से कर रहे हैं। अच्छा, लाइक जैसे होता है ना कि कोई जो तासुर बना हुआ है एक ऑडियंस के ऊपर, अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, पढ़ाई में नहीं अच्छे होंगे ना इसीलिए आ गए भाई, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है।
लेकिन बहुत सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर बहुत सारी पढ़ाई कर करके भी उनका ये शौक होता है। वो सही कहते हैं ना क्या मेरे आपके साथ बहुत ही बुरा था। यही तो मैं बहुत तमीज से पूछना चाह रही थी। लेकिन आप मैंने तमीज बांधी निदा मैं तो बहुत ही बुरा था। मुझे अल्लाह ने इधर इज्जत दे दी इतना मैं मत एवरेज। अंडे कितने अंडे मिले आपको? अंडे तो लड़क लड़क के पास हुए। नहीं लेकिन ऐसा नहीं था एवरेज स्टूडेंट था मैं। अच्छा लेकिन अल्लाह ने इस तरफ इज्जत देनी थी वहाँ मेरा इतना फोकस ही नहीं था इस तरफ ध्यान हो गया तो फिर वो नहीं तो मतलब कैसे पास कैसे हुए फर्रे बनाए क्या किया फर्रे मैंने भी बनाए वैसे शर्माने की जरूरत नहीं है मैंने नहीं बनाए फर्रे नहीं ये कराची वाली लैंग्वेज है टिपिकली फर्रे ना फर्रे ना चीटिंग मैंने दोनों चीजें नहीं की ठीक है अगेन वही वाली बात कि अल्लाह देख अच्छी थी कि नहीं थी मैं एवरेज थी अभी बिला वजह हम गए सही है लेकिन देख रहे हैं बस नहीं नहीं लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की और ना मैं फर्रे बनाती थी सही ये दोनों चीजें नहीं करती थी मुझे होता था कि अच्छा से कोई बात नहीं अगर मैंने पास होना होगा अल्लाह के हाथ में है अल्लाह हमारी मेहनत नहीं मेरे घर वाले खुश हो जाते थे। आई रिमेम्बर जिस वक्त मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो अच्छा बाबा और भाई ना वो डी में और सी में ना ढूंढने जा रहे ना ठीक है और मैंने कहा बाबा नहीं है तो बी में देख ले कहते कहते फेल फेल। अब मैं यूँ देख रही हूँ मैंने कहा अच्छा अब ये लोग चले गए ना पेपर छोड़ के चले गए एंड आई वाज लाइक ये कोई उम्मीद ही नहीं है तो मैंने कहा आओ ए से ही देख लें अल्लाह तवक्कल देखे और ए में मेरा रोल नंबर था चलो आई नो मैंने यूँ देखा मैंने कहा नहीं ये तो मैंने फिर देखा तो मैंने कहा मेरा है मैंने जाके बाबा को दिखाया मैंने कहा बाबा उन्होंने मुझे लिफ्ट कर लिया सच कह रही हूँ हाँ अम्मी सच में कहती है अच्छा अच्छा सही 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 फिर मतलब मैंने कहा वो नेचुरली आ गया अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना चीजें हमने अपने अपने बचपन की बात करें ना आप तो खैर बहुत छोटी हैं मुझसे इतनी छोटी नहीं हूं और बातें गोल गालों की वजह अच्छा सुने सुने हम जैसे बचपन में खुद स्टूडेंट थे ना तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपनी औलाद से इतनी तवक्को नहीं रखता मैं उनको नहीं सख्ती नहीं करता बेगम मेरी थोड़ी है मैंने आपसे पहले कहा ना वो सख्त हैं इस मामले में ट्विटर के साथ ही बैठना और सारा यूँ होना चाहिए यूँ होना लेकिन मेरा ये है कि भाई पास हो जाओ और ये चीज़ें इतनी मैं उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा बस एवरेज भी ना हो सर थोड़ा बेहतर कर लो बेटा आप एक बहुत मुझे लगता है कि आज के दौर में आप बहुत ज़्यादा अगर आप ठीक होते हैं तो कुछ मेरी न्यूज़ेस वैसे भी सामने से गुजरी हैं मैं आपको आज के दिन में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अच्छा मैं बताऊँ मैं यहीं पे ऐड करूँगी मेरे अब्बू इसी तरीके से होता था जो मैं इजी होती थी ना कि रिलैक्स होती थी अब्बू का इसी एग्जैक्टली यही होता था वो कहते थे अच्छा सही है बेटा ठीक है आप पास हो गए गुड आपको पता है क्या वो एजुकेशन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन कोई शक नहीं लेकिन साथ साथ तरबियत है साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसानियत जो कि आपको साथ साथ लेकर चलनी है और मेंटल हेल्थ अच्छा, पड़ती exactly, है अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली कि आप एक चीज कुछ बस रटे जाएं उसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है कितना पॉजिटिव इफेक्ट है ये ज्यादा जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट था तो तुम्हें लगता था कि वो काश ये खत्म हो जाए मैथ्स और आपके पास कौन सा था यही है मतलब बस ये चीजें आप मुझे बताइए हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के एग्जाम्स में अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हड़तालें भी हो रही हैं बच्चे जुल्म हो रहा है जो भी हो रहा है मेरा एक अपना सोच का अंदाज है बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा अल्लाह मियां रहम करे। सोचिए आप जब क्लास में बैठे होते थे आपने चौक खाई होगी कभी टीचर से ध्यान किधर है डिस्ट्रैक्शन हो रही है टीचर चौक मारता था अब ऑनलाइन क्या करे टीचर नहीं आप ऑनलाइन तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऑनलाइन पे क्या पढ़ाई हुई है मैं कम से कम हो सकता है मुझसे कोई इत्तफाक ना करे मैं मेरी अपनी एक सोच है ऑनलाइन पे तो वो पढ़ाई नहीं हुई ये तो तय है पीछे माशाल्लाह बकायदा गई हैं बिल्कुल दौड़ पहले से ज्यादा गई हैं टीचर्स को पढ़ाना भी नहीं आता अच्छा नहीं हम यहाँ की बात नहीं है देखिए मैं अपने सिर्फ मुल्क को फोकस नहीं करूँगा हम दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है टीचर्स बुखला गए ऑनलाइन ट्रेनिंग ही नहीं थी किसी को बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अगर हमने यूं ही जिंदगी अल्लाह ना करे चलनी पड़े दुआ है कि नॉर्मल चीज़ें आए मैं जो इम्पोर्टेंट बात है बीच में रहना जाने का कि हमें अपने औलाद से अपने बच्चों से काउंसलिंग की जरूरत है हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें हम उनकी 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 भी तो देखें ना हम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं वालदैन होने के नाते दिल बाप है ये भाई तो इतना बच्चे को टेंशन दे दे क्यों दे भाई आप कोई बात नहीं नॉर्मल है टेक इट इजी आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टेक इट इजी कर लो पूरे साल के
तब्बू गेम है तो उसको ना जाया करना बेटा, नॉर्मल ले लो, लेकिन प्लीज अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, उसको मेरे साथ बैठो डिस्कस करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अल्लाह एक ही तरफ चल रहे हैं बस। हाँ। पैसा लगा है उसको निकालना है भाई किसी तरह, किसी बच्चे की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है। नहीं, ये तो हकीकत है। सारे सुन ले बाप जो भी बैठे हैं अभी, क्योंकि इस वक्त मॉर्निंग का टाइम नहीं ना, रात का टाइम है, तो अब्बा आज तो बैठे होंगे, सुबह तो निकल जाते हैं कामों पर, तो इन अब्बा की बात जरूर अपने दिमाग में, बल्कि गिरहा में बांध, दिमाग में बांधे, दिमाग में डाले। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी पॉजिटिव चीज बच्चों में आई है, और कौन सी ऐसी नेगेटिव आपकी चीज है जो आपकी बच्चों में ही आई है? देखिए, हर तुमसे भी पूछूंगी। हाँ, हर इंसान में तुम्हारी अम्मा ये आज सर्च करके बैठी हुई है और इन्होंने बड़ी टीम में छोड़ी है। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे साथ हैं जी। अगर कोई कहे कि मैं टोटल पॉजिटिव हूँ तो मैं नहीं मानूंगा, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। हम सब में हमारे शेड्स हैं लाइफ के, और मेरी जो नेगेटिव में वो जो मेरा लेट नाइट जागना बच्चों में आया वो मेरी वजह से है। मैं मुझे कई दफा इससे बहुत बुरी तरह फील होता है। आपको आदत हुई है फिल्मों में काम करने से? जी बिल्कुल बिल्कुल, रूटीन खराब हो गई ना फिर मेरी अजीबोगरीब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदैन से, मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट्स से, वाले साहब से नमाज की आदत है, तो फजर में नमाज पढ़ना चलें वो तो हो ही जाता है। पहले ही कहती थी ना माएँ कि सो जाओ बेटा, फजर होने वाली है तो फिर फजर भी पढ़नी। अब तो माएँ कहती हैं अब तो सो जाओ, फजर भी हो गई, तो अब उल्टा चल रहा है मसला। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और कुछ गेमें भी ऐसी आ गई हैं, बच्चे तो छोड़ते ही नहीं ना, वो फिर वो कार्ड डलवाने पड़ते हैं गेमों के, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, सबके घर में सब देख रही होंगी माएँ, मेरी बहनें देख रही हैं इस वक्त, सबका एक ही मसला, सब रिलेट कर रही हूं। ये देखो हमारे साथ, बस तुम्हारी भी मैं पूछना चाहती हूं बेबा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स में से क्या अच्छी आदत आई है और क्या बुरी ऐसी तुम्हारे अंदर आदत है जो तुम्हें कहती हूं मैं इसे खत्म करूं? सब अच्छा है, मेरे अम्मा अब्बा में सब अच्छा है। देख वही तो आदत पे की होगी। नहीं, मेरी अम्मी आई थिंक दोनों के अंदर ना अच्छा। एक चीज मैं इसको ये करूंगी, मुझे सिर्फ अम्मी अब्बू के अलावा भी ऐसे भी आम लोगों में भी मुझे बुराइयां नजर नहीं आती। दैट्स वेरी लकी हो तुम यार, दैट्स वेरी वियर्ड। पता है मुझे किस्मत हो रियली अच्छा नहीं, मुझे नहीं आती। मुझे होता है कि अच्छा अगर कभी मुझे नजर आ जाए कोई मेरे साथ बुरा कर दे, तो मुझे होता है अच्छा इसने मेरे साथ बुरा कर दिया है, ठीक है अल्लाह मालिक है, सही है। तो ये तुम्हारी तो अच्छी आदत है, ये क्वालिटी। तुम्हारी बुरी आदत क्या है जो तुम? आई थिंक ये वाली अम्मी की तरफ से कि अम्मी जो है ना ये चीज कहती हैं। अम्मी की तरफ से होता था कि कभी हम कहते थे कि खानदान में हो गया कुछ हो गया, मैं कहती थी अम्मी इनको आप बोलती क्यों नहीं है, तो मैं कहती थी नहीं छोड़ो, मैंने क्या बोलना है, रहने दो अल्लाह मालिक है। अम्मी वाली चीज तुम्हारे अंदर। अच्छा, निदा ने मुझसे तो पूछ लिया नेगेटिव, मेरा पॉजिटिव पूछे बगैर टर्न कर गई उधर, ऐसे यू टर्न मारा निदा ने। आपने बताया नमाज तो वो तो एक अलग दिमाग ऐसे चल रहा है, वो है पॉजिटिव आदत है। अब्बू से मैंने सीखी नमाज पढ़ने की। आप बेहतरीन होस्ट हैं आप। हाँ, बात यह है कि जो बोल्डनेस है ना, बोल्डनेस जो मुंह के ऊपर बात करना और दिल में ना रखना, ये मेरे बच्चे मेरे पे इस बारे में और अपनी माँ पर भी है। अच्छा, what do you think, ये अच्छाई है या बुराई है? नहीं, मेरे ख्याल से देखें कई जगह पर बुराई हो जाती है, कई जगह पे आपको नहीं होना चाहिए। वो मुझे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। लेकिन एक वो कहते हैं ना निदा जी, जो सच जो होता है हमेशा कड़वा होता है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो वक्ती तौर तो बुरी लग रही होती है और उस जगह भी नहीं होती, लेकिन वो देर पर होती है। कभी आपको लगता है जैसे उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है? बहुत हुए हैं मुझे, बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। मेरे अब्बू ऐसे हैं, वो मतलब वो बिल्कुल दिल के साफ हैं, बिल्कुल ऐसे सीधा बोल देंगे कि ये बात यूं है। अच्छा, हम उन्हें कहते हैं अब्बू यूं नहीं करना, ऐसे नहीं बोलते, सबको नहीं बोल देते, फौरन मत बोल दीजिए, बट वो कहेंगे कि नहीं ये देखो उसको नुकसान हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू वो आपको गलत समझ रहा है, डोंट से इट, बट दैट्स हाउ इट इज। ये आप कुछ कर नहीं सकते, मेरी अम्मी भी ऐसी। अच्छा, अच्छा। मेरी अम्मी भी बहुत ब्लंट थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो जितने उनके दोस्त थे इस बुढ़ापे में, जब वो बेड पे थी, कोई पीटीवी की डायरेक्टर नहीं थी, कोई ओहदा नहीं था, उनके जितने दोस्त थे, तो मैं हैरान रह गई कि एक साफ गो औरत, एक ब्लंट औरत इतने दोस्तों से घिरी हुई है। फिर मुझे रियलाइज हुआ वो सच्चे दोस्त होते हैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है कि ब्लंट होना अच्छी बात है। ऐसे ही हाँ, क्योंकि छांटी हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग आपके साथ, और फिर वो लोग रह जाते हैं जो 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 सच्चे हैं आपके साथ, बाकी जो तो भाग जाएंगे। अच्छा, क्या आप बहुत फजूल खर्च हैं, जरा हाथ खींच के करते हैं, या किफायत शार हैं? बहुत खर्च है, मैं बहुत फजूल खर्च हूं। ये दिखाओ तुम्हारे है यहां पे, इसमें जो फजूल खर्च होते हैं ना उनके यहां गैप होता है। रियली? हां, ऐसे कहते हैं। मैं बहुत फजूल खर्च। अच्छा, किस पे खर्चा करती हूँ सबसे ज्यादा? कुछ भी,
कोई भी चीज़, मैं किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकती जो कमाती हूँ बहन, कुछ बचता है बैंक में या सब नहीं, मतलब वो ऐसा होता है कि अच्छा यूँ होता है अच्छा, बट मैं इस मैंने ये किया है तो मेरे दिमाग में, मैंने पता नहीं बचपन में मेरे दिमाग में हमेशा ये एक चीज़ आ गई थी कि अल्लाह ताला मैं आई वॉन्ट माई हैंड टू बी लाइक दिस, तो वो एक वो ऐसे ही है कि वो अल्लाह का शुक्र है मुझे लगता है कि कोई बात है तो आ भी जाते, कोई बात नहीं, मुझे कई बार बोलते भी है ना, जैसे घर वाले बहुत बोलते हैं कि तुम बहुत फजूल खर्ची कर रहे हो, कहीं भी ज्वेलरी कुछ भी, मैं कुछ ले लूँगी, मैं कुछ दे दूँगी, मैं कुछ खा लूँगी, मैं किसी के लिए ले आऊँगी, मैं किसी को कुछ लगा दूँगी, दिल यू नो बहुत फजूल खर्ची हो रही है आप क्या कर रही हो, आई एम लाइक कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। और आप किफ़ायतशाह रहे? देखिए मैं फजूल खर्च नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि फजूल खर्ची तब होती है जब आप जब आपका कंट्रोल ना हो, मैं समझता हूँ, मैं कोई हिबा को नहीं ये कह रहा, मैं समझता हूँ कि अब जो चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में वो तो होनी चाहिए, अब मैं उनको रोकूंगा तो फिर वो फजूल खर्ची तो नहीं होगी। फजूल खर्ची वहाँ जब एक चीज़ मौजूद है जो आप खवातीन में होता है कि जैसे जैसे जोड़े के अलावा, जोड़ा तब तक तो मैं मानता हूँ चलो वो औरत का हक है, मेकअप बनना संवरना ये सब चीज़ें, एक ले लिया दो और ले लो, तीन और ले लो, एक ये जो आपने कितना खूबसूरत सेट लगाया, अब कल आपका हुआ कि नहीं नहीं ये जरा इसको चेंज कर दें यूँ कर, ये फजूल खर्ची आ गई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इन जगहों पर आके मैं ऐसा नहीं करने देता। आप एक ही दफा में कोई अच्छी लकड़ी वाला फर्नीचर नहीं, अब वो लकड़ी वाला वो नहीं चले ना जाए, पाँच साल चार साल तो गुजरे ना, फिर आप कोई सोचो ना। अच्छा बेगम भी अगर उसने घर रन करना है चलाना है तो हाँ, जहाँ मैंने आपको कहा मेकअप है, चीजें हैं, बच्चों की शॉपिंग है, अब तो खैर बच्चे बड़े हैं थोड़ा, तो वो अपनी चीजें खुद ऑनलाइन ही ऑर्डर आ रहे होते हैं, बेल बज रही है, ऑनलाइन ही आ रहे होते हैं, ये कोविड ने तो बताइए जरा दे दें तो ये, लेकिन यहाँ तक ठीक है, ये बाकी चीजों में वो जरा मैं थोड़ा हाथ रोक रहा हूँ। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है तो मैं बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही जगह। तुम दोबारा अपनी डिटेल दो कि कपड़े और ज्वेलरी की हद तक है? नहीं नहीं, कपड़े ज्वेलरी भी नहीं, कपड़े ज्वेलरी भी ऐसे भी, हाँ खाना पीना हो सकता है, घूमना हो सकता है, तो फिर वो तो वो मैं नहीं कहता उसे फजूल, वो तो ठीक है परफेक्ट, तो जो कमाती है वो खुद रखती है अपने पास या अम्मी अब्बू के अकाउंट में डलवा दे? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पास होते हैं, अम्मा अब्बू बिल्कुल इसके अंदर नहीं वो करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, ये होता है कि हाँ बट स्पेंड हो रहे होते। शादी से पहले तक अम्मी मुझे कहती थी अकाउंट में जमा कराओ, उन्होंने मुझे आदत डेवलप कराई, आगे बाद जब मेरी शादी हुई तो उस वो जो मेरे पैसे जमा होते उसका मुझे सेट बना के दे दिया ये कि ये तुम्हारी कमाई है, मगर मुझे उससे अम्मी ने ट्रेन किया कि बचत कैसे करते हैं, और मैं बड़ी किफायतशार बच्ची हूँ, बच्ची थी, अब बच्चों की अम्मा हूँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ बाबर अली एंड हिबा बुखारी हैं, और शेफ आयशा कहाँ जा रही हैं आप? इकॉलसन के मैक्रोनीज बनाने। ओके जी, आपको भी अल्लाह हाफिज, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा वक्फा, एंड वक्फे के बाद इनसे बहुत सारी और अंदर की बातें। बाय। वेलकम बैक जीएमपी शान ए सऊर, और इस पहर आपने किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा होगा ना, इस तरह चाको चौबंद बैठे हुए, हिबा भी हंस रही है, उनके चेहरे पे बत्ती सी देखे खुली हुई है, क्या टाइम हुआ जरा इस वक्त बताएगा मुझे टीम? हाँ देखिए इस वक्त हम हंसते मुस्कुराते हैं आपके सामने, सही बात, और बाबा अली भी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए हंसना बोलते एक बज रहा है एक इस वक्त, सबको आदत होती है, लेकिन ये आप तो रात को जागते हैं, आपको टेंशन? हां नहीं, जागना ऐसा भी नहीं होता ना कि वैसे ऐसे बैठ जाओ आके, आई नो रिलैक्स जागना होता है बस, ये इस तरह तो नहीं बैठना। अच्छा हमने आप लोगों के आने से पहले ही ना हमने आपका फ्लायर लगाया, और हमने नाजरीन को मौका दिया कि वो आपके होस्ट बन सके, आपसे सवाल करे, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप वीडियोस हमें बना के भेजी। रियली वाओ, ओके, तो आइए देखते हैं कि वो क्या सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं अपनी होस्टिंग की जिम्मेदारी अपने ऑडियंस को देती हूँ। पहली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? मैं सैयद रजा हैदर, और बाबर भाई मेरा आपसे सवाल ये है, आपको कभी जिंदगी में क्रेजी फैन मूवमेंट हुआ था क्या? क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ? कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ? किसी लड़की ने आप खून से खत लिखा? खून से खत तीन बार हुए हैं, नस एक बार काटी है मेरे गेट पे आके, फिर मेरे वाले साहब ने फिर उसको समझाया, फिर वो जो थोड़ी देर पहले शादी करना चाह रही थी, हाँ। फिर बहन बना के उनको वहाँ से रुखसत किया। कैसे? तो बस वो बनाया कि बहन भाई वाला भी प्यार होता है, खुदा के लिए क्या हो गया आपको? मैं शूटिंग कोई भी प्यार मंजूर था तो वो नहीं मंजूर तब भी नहीं था, वो चली गई फिर वैसे क्या बताऊँ आपको, बेताशा तो इस तरह की चीज़ें तो उन दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उन दिनों तो ये चीज़ें नहीं थी,
इतने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म तो होते नहीं थे, बिल्कुल चंद एक चैनल से, वो भी चंद एक थे, बिल्कुल, तो हमें कहीं इस तरह देख लिया जाए और स्टार नजर आ जाए और फिर घर अगर पता चल जाए तो फिर तो आप गए ना, तो वो घर पता चल गया तो फिर पहले तो मैं कहूँ घर में बहस हो बहन भाइयों की, बकरे का खून है मुर्गी का खून है, नहीं भाई इंसान का खून है, ये बहस होती थी, फिर वो जब गेट पे आके मसला हुआ मैं तो बस करना ही करना है, अल्लाह तो फिर नहीं ऐसा नहीं होता ना, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है ना, आप किसी को जानते नहीं हो, आप जो मर्जी हो जैसे भी हो लेकिन आप जिंदगी का फैसला नहीं कर, शुरू ये तो चला आ रहा है फैन मोमेंट्स, दिखाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मेहताब। हिबा कैसी हैं आप? आपका दीवान की ड्रामा मेरा बहुत पसंदीदा ड्रामा था। मेरा आपसे सवाल है, आपको अपनी पिक्स सोशल मीडिया पे अपलोड करने का कितना शौक है? आपको अपनी पिक्स सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे अपलोड करने का कितना शौक है? बहुत थोड़ा। खाना खाने बैठी हो एक मिनट पहले? नहीं नहीं बहुत थोड़ा सा, खाने थोड़ा सा। मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, ठीक है, मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, जैसे अभी वो बात हो रही थी इंस्टा पे कि मेरी इतनी चीज़ें पोस्ट नहीं करती मैं, वो यही होता है कि काम से रिलेटेड मेरा इवन जो इंस्टा है वो बहुत काम से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत कम होती है कि कोई पिक्चर मेरी अगर मैं पर्सनल पोस्ट कर दूँ, वरना बहुत काम से रिलेटेड। अच्छा, ज़्यादा नहीं करती? ज़्यादा नहीं, मेरे पास पिक्चर्स बहुत है, मुझे पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत शौक है, मैं एक एक सेकंड में पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ, मैं क्लिक करवा सकती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट पोस्ट देम, इतना करेज नहीं है मेरे अंदर, हिम्मत नहीं है। अच्छा, चलिए भी जवाब मिल गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamualaikum, this is me Sayyed Ibad. अच्छा जी, मेरा सवाल बाबर अली से है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में लगा दी, तो अब आप इस मोड़ पर आके किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? क्या बोला है, किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं? कॉम्पिटिटर, जैसे कि आपने अपनी पूरी लाइफ जो है वो शोबिज में लगा दी, अब अगर इस स्टेज पर आकर आपसे ये पूछा जाए कि उस वक्त जब आप फिल्में करते थे उस वक्त नहीं उठे, अब उन्होंने सवाल बेचारे ने चले, वो नहीं है ना, तब मैं आपसे सवाल करी, उन्होंने सवाल ये किया कि अब आप उस जमाने में अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते थे? मैंने एक्चुअली मेरा तो काम ही अलग ही था, हाँ। जब मैं हीरो था तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंजॉय किया, हाँ। और जब मैं एक वक्त ऐसा आया तो मैं विलन कन्वर्ट हो गया, उसके पीछे भी एक लंबी दास्तान है, तो मैं रातों रात जब विलन हुआ तो मेरे लिए सुना देना दास्तान, दास्तान अच्छी दास्तान है, सुनने बैठे लोग आधी रात, तो रात का एक बज रहा है और दास्तान सारी तक जाते हैं लोग। हुआ यूं कि वो हम मिसाल सुनते थे कि चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, जो स्टार है उसके पीछे दुनिया होती है, तो रातों रात जहाँ 80 फिल्में थी तो एक रात मेरी जिंदगी में ऐसे आई कि मेरे पास वो 60-70 फिल्में हाथ से निकल गई एक रात में। कैसे? जब मेरा हादसा हुआ कराची में, मैं गिरा, मेरे पाँव टूट गया। क्या हुआ था हादसा? एक फिल्म की शूट थी, मरहूम इकबाल कश्मीरी साहब, उसके अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, वो फिल्म के डायरेक्टर थे, तो जहाज जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है आपके इधर गिडानी में, तो वो आप टाइटैनिक तो लोगों ने देखी होगी, उस उतने बड़े बड़े जहाज खड़े हैं उनकी शिप ब्रेकिंग, वो उसके फ्लोर पे ऊपर टॉप पर मेरी फाइट हो रहा है, फाइट सीक्वेंस से मैं कहीं नीचे गिरा हूँ, और एक स्टंटमैन नहीं होता था आप? नहीं नहीं, मैं खुद ही करता था, वो ऐसा था नहीं कि नीचे गिरना है, हाँ। तो उसकी जो क्रेन थी वो टूट गई, वो बदकिस्मती थी, वो 110 से ज़मीन पर आके गिरना जो था, हालांकि नीचे समंदर था, चिकनी मिट्टी थी, तो मेरी जब गिरा हूँ तो मेरी पाँव की हड्डियाँ टूट गई, मैं तो बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता, फिर जब मैं मुझे होश आया तो पता चला ये हो गया, और 6 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा उठ ही नहीं सकता, मेरे रॉड वॉड नहीं डला, अल्लाह का करम है जी, मेरी जो मुझे एक रात में जो मुझे हाथों पे उठा रहे थे वो लाइनें लगी हुई थी मेरे घर के बाहर पैसे वापस लेने के लिए, मुझे वो वक्त याद है, तो मुझे ये भी याद है कि मुझे अपनी अल्लाह से, मेरे वाले साहब हमेशा कहते हैं कि उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना, मेरे पास सहारा था मेरे रब का, मेरे माँ बाप की दुआओं का, जो भी था जितना भी था जो कर सका, उनके सारे तो नहीं कुछ वापस किए पैसे, कुछ लोग अच्छे भी थे, मैं ये नहीं कहूँगा, जिन्होंने लिए वो भी बुरा, मैं उनको नहीं कहूँगा, उनकी अपनी मजबूरी थी, उन्होंने फिल्म्स लगानी थी, लेकिन उसमें अच्छा काम किया हुआ हिबा, मैं आपको आपको भी बताऊँ और अपने नाज़रीन को कि मुझे चौथे ही दिन, अब मुझे प्लास्टर डला हुआ है, चौथे ही दिन मुझे फ़ोन आता है सैयद नूर साहब का, और सेम डे खलील-उर-रहमान साहब का, कि दिन में मुझे वो एक और विलन ऑफ़र कर रहे हैं और रात में एक और ऑफ़र है फिल्म विलन की, और पाँव टूटे हुए मेरे, तो मैं हैरान हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जी मैं अब एकदम आपने हीरो किया हो और उन्हीं हीरोइंस के सामने आपने विलन बन के खड़ा होना है, आप ज़रा तसव्वुर करें, आप खुद फील्ड में रही हैं और आप काम कर रही हैं, तो मेरा एक अजीब व गरीब कैफियत थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया,
और मैंने वहीं बैठे बैठे मैं सजदा तो कर नहीं सकता था, तो मैंने दुआ की, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ताला जो मुझे इज़्ज़त आपने हीरो में दी है तो ऐसा मुमकिन कर दीजिए कि मैं विलन में मुझे इज़्ज़त हो। फिल्म का नाम था घर कब आओगे, खलील साहब ने लिखी, और नूर साहब ने जो फिल्म लिखी थी वो मेहंदी वाले हाथ, जिसमें मैं विलन था। दोनों बैक वक्त लगी, उस वक्त मैं जो हीरो में ले रहा था टैक्स वाले पीछे ना पड़ जाए, मैंने उन दो फिल्मों के बाद विलन में वो लिया जो हीरो नहीं ले रहे थे। फिर विलन मैंने 4-5 साल किया और अपनी मर्ज़ी की डेट देता था और अपने आप से मैंने काम किया, तो मैंने वो फेस भी निकाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हर फेस को उतार चढ़ाव होते हैं ऐसे ही, लेकिन उस सफ़र में, उस सफ़र में अच्छी बात यह है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला कि आप और करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको उस प्रोसेस से निकालता है और आपको उस वक्त में पता चल जाता है आपके अपने कौन है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये वक्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता चला उस वक्त कोई ऐसा आपका पक्का दोस्त? मुझे लग पता गया मुझे ऐसा लगा पता कि बस, और मैंने किसी से गिला नहीं किया, कोई तो अच्छा होगा। एक कई अच्छे थे, कोई नहीं थे, कई अच्छे थे और कई ऐसे, मैं उनको भी नहीं कुछ कह रहा, मैं उनके लिए क्या कह रहा हूँ, नाम का जो अच्छे हैं मैं बोल रहा हूँ कि तो नाम पूछो नहीं, जरूरत नहीं है, बुराई का तो नहीं, लेकिन अच्छे नाम तो बता दिए, खलील साहब, सैयद नूर साहब, इन्होंने मतलब लाइक हैदर इमाम रिजवी साहब मेरे बड़े पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम, कासिम जलाली साहब वो आज भी मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं, ये सारे लोग जो मेरे दिल के करीब हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ मांगता हूँ जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उनके लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, क्यों, उनकी अपनी मजबूरी थी। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगा निदा, वो यहाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो उनका हक था, उन्होंने वो किया और जो मेरे साथ खड़े रहे उनके लिए तो ढेरों दुआएं हैं मेरी। अल्लाह, और मैं जो उस वो वक्त बड़ा एक ऐसा वक्त होता है, क्रूशियल वक्त, कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो ना तो आप गिर जाते, लेकिन फैमिली उस वक्त, फैमिली देखें निदा, फैमिली आपके साथ ही होती है नो मैटर व्हाट, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, बहुत सारे लोग बीवियां छोड़ के चली जाती हैं। नहीं, उस वक्त तो मैं मैरिड नहीं था ना, उस वक्त तो शादी नहीं थी। अच्छा? पर आई एम श्योर मेरी लाइफ पार्टनर जो सदफ है, अल्लाह ऐसे पार्टनर सबको दे, और इस तरह की शरीक हयात होनी चाहिए। मुझे यकीन है उस वक्त भी अगर सदफ मेरे साथ होती तो वो मेरे साथ खड़ी होती। बीवियाँ जो नेक होती हैं वो साथ ही खड़ी होती हैं, जो बाकिरदार होती हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कभी बुरा वक्त आता है तो कभी ऐसा भी अपने तो साया भी छोड़ जाता है, बिल्कुल। लेकिन देखिए, आपको अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस से निकालना होता है, वो आपको सिखाना होता है, आपको फिल्टर करना होता है। अच्छा, सच बताएं मुझे, जब ये सारी प्रोसेस से आप गुजरे, पहले के बाबर अली में और बाद के बाबर अली में क्या डिफरेंस आया? अच्छा, कभी कभार अल्लाह ताला आपको बदलता है। एक्टिंग में कह रहे हैं या आप? नहीं, नेचर में। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से ना, मेरी तबीयत में आजजी रही है, मैंने कभी अपने नाम का कभी गलत फायदा नहीं उठाया, मैंने हमेशा मौके को देख कर बात की है, मैंने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वजह से मैं आप शो पे आया हूँ, कि निदा की कोई मेरी ऐसी बात निदा को ना बुरी लग जाए, हेबा जी बैठी हैं, ये बैठी हैं और कोई है, तो किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। इस वाक़े के बाद जो मेरे साथ हादसा हुआ, तो बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हुई मेरी लाइफ में, मुझे बहुत सी चीज़ों में और ठहराव आ गया। हाँ, वो नॉर्मल इंसान गलतियाँ करता है, अगर इंसान गलती ना करे तो वो फिर इंसान तो ना फरिश्ता हो गया। गलतियाँ मुझसे आज तक भी होती हैं, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें अल्लाह मियाँ का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं, मेरी जो हड्डियाँ टूटी, मैं अल्लाह का, मेरे साथ और भी कुछ हो सकता था, मैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये क्या कम है? कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, आप भाग नहीं सकते अभी तो? ये जो नए लड़के काम करें मेरे साथ, बोले भाग के देखें, रेस लगाए, हाँ ये ना करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलग बात है। आप जिम वगैरह करते हैं कि नहीं? जी, मैं जिम तो नहीं करता, होम जिम है मेरा। अच्छा, घर में करते? और कोविड की वजह से तो बिल्कुल महदूद हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पहले जिम था, लेकिन अब तो मैं नॉर्मल, मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं जरूर अपने आप को देता हूँ। तुम करती हो जिम? क्या ऐसे क्यों देख रही हो बहन? मैंने भी अभी बुढ़ापे में शुरू किया है। नहीं तो कोई बात नहीं, कर लोगे, जब मेरी उम्र पे आओगे तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, करना चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा तो कुछ नहीं, सेहत के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। वॉक करें और खूबसूरत हो जाओगी। वैसे तो अभी वॉक मैं अपनी अम्मी के साथ करती हूँ, ठीक है, अम्मी को बहुत शौक है वॉक करने का, जरूर करती हूँ। फुप्पो ने तुम्हारी ये कह दिया, वॉक करते हुए अम्मियाँ यही करती हैं? नहीं, जो मासी है ना उसने ऐसे किया। अच्छा, मेरी फुप्पो नहीं है, लेकिन हाँ ये मासी वाली बात जरूर हो सकती है कि ये हो गया, आज ही हो गया, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा। वो कहती है जब हम बाहर निकले या जब हम वॉक करें तो पॉजिटिव बात, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सेट पे क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, बिकॉज यू मीट डिफरेंट पीपल, तो मुझे वो बताओ, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। अच्छा, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, कि आप जितनी
पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जितनी अच्छी बात करते हैं उतनी ही अच्छाइयाँ बढ़ती हैं। सच्ची बात यह है कि वाइब्स होती हैं बिल्कुल जब आप लोगों से मिलते हैं। मैं बीच में वो चीज़ ना मैं जरूर एक मैसेज वो देता जाऊँ कि आपने कहा ना कि वो चीज़ें जो आप गुजरते हैं इस दौरान जो आपके साथ अच्छे होते हैं ना, आपके बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़े होते हैं, इंसान की फितरत है, इंसान सबसे पहले उनके साथ ही बुरा करता है, कभी ना करें उनके साथ। जो आपके साथ खड़ा है ना आपके बुरे वक्त में, वो चाहे कोविड है या उससे पहले आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू जहाँ पे आपका वो शौहर हो सकता है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कोई ऐसा अजीज, वो अगर आपके साथ खड़ा है ना, उसको सारी जिंदगी उस शख्स को अपनी जिंदगी से ना जाने दें, उसका एहसास करें, उसका एहतराम करें, रिश्ता कोई भी हो आपका उससे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ फिर बुरा सलूक करना या उसके साथ ऐसी बात करना, वो अल्लाह मियाँ कभी ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके वक्त में खड़ा था। कल मेरे शो पे लैला वास्ती आई हुई थी, आपने भीम को देखा होगा काम करते हुए, वो किस वक्त से गुजरी? हम उस वक्त सबने इकट्ठा स्टार्ट किया था, तो वो उनकी कहानी में सुन रही थी ना, और वो बता रही थी कि उनके जो हस्बैंड जिनसे उन्होंने शादी की, वो उनके कैंसर के जमाने में ऐसे कहती मुझे फूलों की तरह रखा, तो मुझे देख के वो हो रहा था कि मर्द ऐसे भी होते। वो अभी तो माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, अल्लाह ताला रखे वही ना। तो ये तो बिल्कुल नसीब है आपका कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बा? अच्छे प्लान्स हैं मेरे, मतलब लाइक मैं इनसे इतनी सारी मुझे बातें करने का मौका मिला, बच्चे हैं, बेगम है, अम्मा अब्बा, ये वो हिबा जो है ये मुझे इतना सारा मौका कब देने वाली है कि मैं पूछे हाँ हिबा आबादी कितनी होनी चाहिए और कहाँ जा रही हो हनीमून के लिए, और ये मुझे आप मौका कितने साल बाद दे रही हैं? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कोई प्लानिंग हो रही है अम्मा अब्बा की? अल्टीमेटम दिया होता है अम्मा अब्बा ने, हे वाह बस ये दो साल है तुम्हारे पास, पहले दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोशिश की। अच्छा मैं हमेशा कहती थी हाँ ठीक है जहाँ आप कहेंगे वहाँ कर लेंगे, तो खुद ही उन्होंने, अच्छा अल्लाह की तरफ से जो मैंने बात की थी वो वही रह गई थी कि अल्लाह की तरफ से वो चीज़ पता नहीं खुद ही ख़त्म हो जाती है, खुद ही वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। वो अगर किसी ने देखा वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, हाँ बात करेंगे मिलेंगे, कोई चीज़ होती है नहीं आया बात नहीं हुई, इधर से इन्होंने बात की नहीं समझ आई, वो बात इधर उधर हो गई, कुछ हो गया, नॉट इवन नेगेटिव बट नहीं हुआ। तो मैं वही कह रही हूँ कि वो जब होगी तो अल्लाह की मर्जी होगी, सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। देखो ना कोविड में 5-6 लड़कियां निकल गई हमारी शोबिज़ की अच्छी बात है। हम लोग भी थोड़े से देर के लिए निकल रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थोड़े से उदास हो गए हम बाबर की ये वाली बात सुन के, पॉजिटिव लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, सबक देती है, स्ट्रेट लाइन तो सही बात डेड लाइन होती है। एक छोटा सा ब्रेक, GMP शान ए सब। वेलकम बैक GMP शान ए सहूर, बाबर अली और हिबा बुखारी की आप चटपटी बातें सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता था भाई आप इतनी मज़ेदार बातें करते हैं। हिबा तो पटर पटर बोलती है, जब मैं आपको देखती तो आप सीरियस, मुझे लग रहा था बड़े गुस्से के तेज। अच्छा मेरे बारे में ये क्या है, ये आपका आपकी पर्सोना ऐसा बन गया? मेरी पर्सनालिटी में लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ कुछ सेट के ऊपर। ये इतनी माशाल्लाह बातें कर रहे होते थे कि मैं जो होती थी अच्छा हम यूँ ना बैठे के, लेकिन बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी काम की और सिखाने अच्छा, वाली इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, बहुत मजे का, आप कोई बात करके चुप हो जाते हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। रमजान है वही, मैं एकदम यू होके ना मैं यू होके, लेकिन आवाज अच्छी है, आवाज अच्छी है, आवाज अल्लाह की तरफ से आवाज। चलिए कोई वीडियो बना के बाद में डाल दीजिएगा, हम सुन लेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हम कर रहे थे व्हाट्सएप क्वेश्चंस, हां आप लोगों ने जो भेजे, और फिर बीच में इन्होंने आप दीदा कर दिया हमें, है एक हम ट्रांस में चले गए। आइए दोबारा से शुरुआत करते हैं, आपने बना के भेजे हैं, मैं कैसे नहीं आपके सवाल चलाऊं। आइए जी चलाते हैं व्हाट्सएप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल है। हिबा आप बगैर मेकअप के अपने फैंस के साथ पिक्चर ले सकती हैं या मेकअप जरूरी है आपके लिए? आप मेरी बहुत पिक्चर्स हैं, मेरी इतनी पिक्चर्स हैं मुझे। अच्छा मैं यूजुअली जैसे बाहर जाती हूँ, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं चादर लेकर जाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं मेकअप ना यूज़ करूँ बहुत हद तक, ठीक है? तो बिकॉज आप नॉर्मली मेकअप में होते हैं आप हर वक्त, तो आप थक जाते हैं, आपको होता है कि नहीं मैंने मेकअप नहीं लगाना। तो मैं कई बार चादर में हूँ, और एक बार मुझे याद है कि मैं बहुत थकी हुई, मेरे पूरे मुंह पे मिट्टी 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 हुआ हुआ, और मैंने चादर लपेटी हुई, और मैं कहीं गई एक शॉप के अंदर, और वो खातून ने मुझे कहा कि आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने पिक्चर बनानी। मैंने कहा मेरा हुलिया ऐसा है, आप तो तैयार हैं? कहती नहीं नहीं मैं कहीं पोस्ट नहीं करूँगी। मैंने कहा अच्छा चलें बना लें। मैंने कहा बिकॉज यू नो आपका मोमेंट होता है आप बना लें, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं घर नहीं पहुंची, उससे पहले मेरी फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आ गया, डिड यू नो हर, डू यू नो हर, डिड यू मीट हर एनीवेयर? एंड आई वाज लाइक ओके, वो हर जगह पे थी, वो फेसबुक पे थी, वो सोशल मीडिया पे थी, एंड दिस इज जस्ट नॉट वंस, हमेशा
कहीं पे भी मैं जो भी हो मुझे पता होता है कि अच्छा वो उनका मोमेंट है तो मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा मैंने सुना है कि एक आंटी ने तो मैं अपनी उन्होंने अपनी बेटी की शादी का जोड़ा तुम्हें गिफ्ट किया था। हाय आई नो कि आप ये आप अपने बरी में रखिएगा जेब में रखिएगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें तोहफा देने के लिए। उन्होंने कहा था मैंने बड़ी बहुत दुआएं मांगी कि मैं तुम्हें देखूं मैं तुमसे मिल लूं। अल्लाह तो मतलब मेरे पास कुछ और है नहीं वो लेकर जा रही थी इस वक्त। उन्होंने कहा ये तुम रखो। So sweet of her, यार शादी का जोड़ा तो बड़ा emotional चीज़। मैं उनसे नहीं ले रही थी और मैंने बट मुझे कहीं लगा कि अच्छा वो फील करेंगे शायद बुरा लगे उन्हें या कुछ इस तरीके से तो फिर मैंने कहा सही है अगर आप किसी gratitude से देते हैं तो। So sweet, दिखाइए जी अगला सवाल। हेबा मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और गुनगुनाती हैं तो जरा देखें हम भी थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं। मरवा पिटवाओगी क्या मरवाओगी क्या बहन गुनगुना तो नहीं क्योंकि रमजान है। नात नात है सुना नात सुना सकती हो रियली हां ओके मैं नात अच्छा मैं दुपट्टा वो है बिल्कुल 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 शेयर कर लूं मैं नहीं नहीं मेरे पास दुपट्टा है बिल्कुल है प्रॉपर मैंने कहा वो तो पहना पुआ वगैरह नहीं बट ये ऐसे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैं अगर नात पढ़ना हो तो हाय इसने आपको भी कोई नात आती है मैं हुजूर की शान में एक प्लीज एक आप चलें 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 पहले आप शुरू करें पहले आप करें आप ये हो गया दुपट्टा हो गया यस चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं स्कूल में थोड़ी सी पढूं हाँ थोड़ा सा जो भी आप नहीं मैं स्कूल में नात ही पढ़ती थी तो मतलब मुझे स्टेज जो मैंने पहली बार स्टेज पे गई पढ़ा था वो मैंने नात पढ़ी तुम्हारा चेहरा इसीलिए बहुत नौरानी है ना ओके चलें मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का मेरे महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं मुरीद खैर अनाम खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा ना करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा ना करे खुदा का जिक्र करे।
जी सुभान अल्लाह अच्छे माशाल्लाह पूरी सिचुएशन इतनी मज़ेदार बन गई, इतनी अच्छी बन गई। और हमारे हम उम्मती हैं, हम उसको हमें मैं कहता हूँ हम बहुत खुश नसीब हैं। इस वक्त हर वो शख्स जो इस फ्लोर पे खड़ा है कैमरे की आंख के पीछे, जो हमारे बहन भाई, जो बुज़ुर्ग बच्चे बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देख रहा है, एयर वाई के सारे लोग, कुरैर्स पर जितने भी लोग जिनको माह रमज़ान मिला है, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। हमें अल्लाह ताला की ये रहमतें समेटने का अल्लाह ने एक और मौका दिया है, वरना हमारी क्या औकात क्या हैसियत। माशाल्लाह इतने अच्छे माहौल पे प्रोग्राम माइंड अप हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। एयरवाई से एक ताल्लुक़ रहा मेरा 16-17 साल पहले, और अब एयरवाई पे बहुत जल्द आप कुछ ऐसी धमाका खेज चीज़ें देखेंगे जिसमें मैं आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे के बाद। मुझे भी नहीं बताया आपने। नहीं नहीं बताया, मैं इसलिए तो अभी बता रहा हूँ। और एयरवाई इन्हीं फ्लोर्स में मैंने कोई 17 साल पहले काम किया, और फिर मैं मसरूफ़ हो गया, बाकी फिल्म्स में भी था, दूसरे भी चैनल्स हैं, अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। और ये दोबारा आप लोगों ने बुलाया, जिस इज़्ज़त अफजाई का आप लोगों ने मुजाहरा किया, मैं तह दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके एक कॉल पे। आप देखें मैंने अपनी सारी मसरूफियत साइड में की, और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ आप लोगों के वेलकम पर, और दुआ गो हूँ एयरवाई की मजीद तरक्की के लिए। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, सारे दिन से रिकॉर्डिंग करा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एआरवाई का ही एक प्ले शूट कर रही थी अभी, जो कि आई थिंक ईद के बाद प्रॉब्ली ऑन एयर होगा। अच्छा, तो यस पूरे दिन शूट कर रहे थे। अच्छा मुझे मैं अभी लाइव गई थी तो पीपल वर लाइक अच्छा आज रोज़ा है आपका, मैंने कहा जी रोज़ा है, बिकॉज़ रोज़ा अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है, दोनों आप साथ लेकर चल सकते हैं, वो एक बिल्कुल अलग सी बात है। तो यस अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बुलाया था, बिल्कुल मैं पहले भी आपके ही सेट के ऊपर आई हूँ, मैं अभी भी आई हूँ, ऑनर्ड मैं आप दोनों के साथ हूँ। मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी। और ये निदा डिफरेंट आई है हिबा, ये निदा विद एजेंट्स, सीक्रेट एजेंट्स के साथ, डिटेक्टिव्स और पता नहीं एजेंसी लेकर आई है और सबके राज लेकर आई है, क्योंकि हम लोग बहुत सीक्रेटिव है ना, तो इन्होंने कहा कि अच्छा सही है, मेरे बेटे ने तो आज मुझे छोड़ना नहीं रखा है, तो बाद में बात करेंगे। पंजाबी इनसे बहुत सारी बातें पूछ रही हूं, मैं पूछूंगी, वो मॉर्निंग शो पर आएंगे इंशाल्लाह, उसके लिए अगला शो, यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना थोड़ी अभी। बिल्कुल, तो जी ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके, एक पूरा पॉजिटिव एरा डेवलप हो गया इधर, और मैं बड़ी अच्छी अच्छी यादें और बातें लेकर अपने घर जाऊंगी। और आप भी अपनी सहरी का इंतज़ार करें, मंडे को हमारे पास कौन गेस्ट होंगे कल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और जो शो रात को आप देखा करेंगे वो सुबह 9 बजे मेरे मॉर्निंग शो के टाइम पर ही आपको नज़र आएगा। तो अगर आपने यहाँ आधा शो मिस कर दिया, देर से देखा या शुरू का देखा, तो आपको मौका मिल रहा है कि आप उसका लाइक मंडे की सुबह इन दोनों को आप लाइव देख सके, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डेड रिपीट ट्रांसमिशन में देख सकेंगे मेरे मॉर्निंग शो के टाइम पे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे की रात। संडे को मुझे छुट्टी दे दी है, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।